जी अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ मुझे मैसेज कर दें अगर आवाज़ सबको क्लियर आ रही है। चलें ओके चलें परफेक्ट। अच्छा ऐसा है कि कोशिश कीजिएगा, हम बीबीसी से रेलेवेंट हम क्वेरीज लेंगे और लिस्टिंग राइटिंग के हवाले से लेंगे। अगर रैंकिंग के हवाले से आपके लॉन्च रैंक के हवाले से कोई क्वेरीज हो तो उसके लिए आप जब सायंकाल राणा हैं और टीम में और जवाद भाई हैं जब इनके सेशन हो तो प्लीज़ आप उन्हें ज्वाइन करें। तो अगर तो कोई लॉन्च एंड रैंक के क्वेरीज के लिए आए हैं तो वो प्लीज़ उनका वो सेशन अटेंड कर दें रेलिवेंट टीम का। ठीक है अच्छा। और दूसरा ये कि प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि हम क्विकली बात करें जल्दी क्वेरीज हमने से के ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हम क्वेरीज को आंसर कर सके। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर एक जो है जो माइक पर आते हैं तो वो ही फिर मतलब 20 मिनट्स 15 मिनट्स वो ले जाते हैं। ठीक है कोशिश कीजिए कि प्रिसाइज रखें क्विकली हम कर सकें बातचीत। ठीक हो गया तो मैं वन बाय वन आप लोग प्लीज़ हैंड रेज करते जाइएगा, मैं वन बाय वन अनम्यूट करूँगी और फिर हम बात करेंगे। और प्लीज़ आप चैट में भी मुझसे साथ साथ पैरेलल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अगर आपको लगता है कि बहुत अभी आपकी बारी नहीं आ रही और लेट हो रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं किसी को रैंडमली पिक कर रही होती हूँ, क्यू में जिस तरह आ रहे होते हैं उसी तरह से होता है। तो बड़ी कंप्लेन रहती है कि हम 2 घंटे से ही होल्ड पे थे। तो आप साथ में यहाँ पर भी मैसेजेस पर भी बातचीत कर सकते हैं। चलिए मैं अब आपको वन बाय वन अनम्यूट करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम मैम। जी अस्सलामुअलैकुम वालेकुम मैम, मेरा एक क्लाइंट है, उनकी लिस्टिंग में एक प्रॉब्लम आई थी, तो उन्होंने मुझे हायर करा था लिस्टिंग के लिए। तो प्रॉब्लम ये थी कि वेरिएशन नेम मुझे चेंज करना था, वेरिएशन नेम। तो जब मैं वहाँ जा रहा था, क्या नाम है, मैनुअली इसको जब चेंज करना चाह रहा था, तो मैं लिस्टिंग में कोई चेंज नहीं कर पा रहा था। सेफ एंड चेंजेस के टैब में क्रॉस रेड टैग आ रहा था, तो मैं उसको कुछ चेंज नहीं कर पा रहा, लिस्टिंग में कुछ भी नहीं कर पा रहा। फिर मैंने सीएलआर के ज़रिए चेंजेस करने की कोशिश करी, तो वो वेरिएशन नेम बैक एंड पे तो सेलर सेंट्रल में तो चेंज हो गया, मगर फ्रंट एंड लिस्टिंग पे वो चेंजेस नहीं आई। तो मैम फिर काफ़ी बार मैंने केसेस भी खोले अमेजोन के साथ, तो अमेजोन ने कहा कि उस लिस्टिंग को डिलीट कर दें आप। तो अब प्रॉब्लम ये, जब मैं उस लिस्टिंग को डिलीट कर दूंगा तो उसका मुझे सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए इस पर? उसमें ये होगा कि आप उस पेरेंट लिस्टिंग को डिलीट कर दें, एक नई पेरेंट लिस्टिंग बनाएं और उसमें वो वेरिएशन नाम रखें जो आप रखना चाहते हैं। लाइक पहले कलर के साथ था लेकिन अब आप साइज के साथ वेरिएशन रखना चाह रहे हैं, तो अब साइज के साथ क्रिएट करें और वो जो आपकी पुरानी अपनी चाइल्ड लिस्टिंग है उनको उसमें ऐड कर लीजिए। इस तरह से आपकी पुरानी लिस्टिंग के रिव्यूज वगैरह सब अपनी जगह रहेंगे, सिर्फ पेरेंट लिस्टिंग आपका चेंज हो जाएगा। ओके मैम, मैं समझ गया। ओके बहुत बहुत शुक्रिया मैम, जजाक अल्लाह। आने जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वाले जी जी वालेकुम सलाम। एक सेकंड प्लीज मोहम्मद जी असल जी वालेकुम सलाम। ये प्रोडक्ट वीडियो जो है वो हम एड ब्रांड रजिस्ट्री के बगैर ऐड नहीं कर सकते। जी आप बताइए। अलहमदुलिल्लाह जी अस्सलाम वालेकुम मैम, दिस इज़ उमर हियर। कैसी हैं आप मैम? आप बताइए। जी अलहमदुल्ला। अच्छा मैम, मेरे ना क्वेश्चन जो है कि दो क्लाइंट्स के रिलेटेड है। एक तो मेरा यूएसए का क्लाइंट है, उसने अपनी प्रोडक्ट डाली है लेकिन उसका सर्च वॉल्यूम बहुत कम है, वो लो डिमांड मीडियम डिमांड है, और मीडियम डिमांड प्रोडक्ट है। तो उसमें जो है एक ही सेलर है, वो रेवेन्यू अर्न कर रहा है, बाकी सारे जो हैं वो $3,000, $4,000, $5,000 के ऊपर है। अब मसला यहाँ पे ये है कि इसने एक तो हाई प्रोडक्ट कंपेटिटिव प्राइस जो है इस क्लाइंट ने बहुत ज़्यादा हाई रखी हुई है। अगर मैं उसे कहता हूँ कि आप प्राइस लो कर लो, तो वो मुझे कहानी सुनाती है कि मैंने लोन उठाया हुआ है तो मैंने वो उतारना है। तो मैम अब इसमें दूसरा, मैंने उसकी कंपेन्स रन की हैं, तो कंपेन्स जो है मैम इंप्रेशंस नहीं दे रही, तो उसको क्या हल किया जाए मैम? अच्छा देखिए, एक तो जो प्राइस फैक्टर वाली बात है कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपना लोन उतारना ही अगर
इस प्रोडक्ट के थ्रू है, तो देखें पहले उस पर काम तो करना है, उसको उस पोजीशन पर तो ले आएंगे वो आपको सेल्स देने लगे, जब उसकी प्राइस मार्केट से इतनी हाई होगी और आप उस चीज के कैपेबल भी नहीं है कि आप इतना चार्ज उसको कर सके, तो आप उसे सेल्स ही नहीं आएंगी, तो वो शायद खुदा ना खासा लोन उन पर शायद बढ़ता ही जाएगा ऐसी सूरत हाल में, बजाय से कि वो उतार सके। तो ये तो उन्हें देखना पड़ेगा। देखिए कैंपेन्स ऑब्वियसली मैं आपको तो बता दूंगी कि अच्छा आपके अभी जो आप बात कर रहे हैं इंप्रेशन नहीं आ रहे हैं, जब इंप्रेशन नहीं आ रहे होते हैं उसका मतलब है कि आपकी बिड बहुत कम है, कि अमेजोन आप बिड भी नहीं कर रहे हैं कि अमेजोन आपको स्पॉन्सर करे, बाकी सबने बिड जो है अच्छी खासी रखी हुई है, या मे बी वो शायद आपसे अगर कम बिड भी हो लेकिन क्योंकि वो सेल्स बना रहे हैं तो अमेजोन उन्हें प्रेफरेंस दे रहा है, तो आपको मार्केट में नहीं होने के लिए अपने बिड बढ़ानी पड़ेगी। एक चीज ये, अब आप बिट बढ़ा देते हैं, लेट्स से आपने बहुत बिट बढ़ा दी है, आपको कॉस्ट पर क्लिक भी बहुत ज्यादा पड़ने लग गई है, तो बायर आ रहे हैं क्लिक कर रहे हैं लेकिन आपसे बाइंग कर रहे हैं, ये फिर ये अनदर लॉस होगा। क्यों? अभी तो आपको सेल ही नहीं आ रही है, ये लॉस है। फिर क्या होगा, आपकी स्पेंड तो बढ़ती जा रही है एडवर्टाइजिंग पर लेकिन फिर भी सेल नहीं आ रही, तो प्लस हो गया ना लॉस। अब उसमें क्यों सेल नहीं आ रही, क्योंकि आप बता रहे हैं जिस तरह की उन्होंने प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज की है मार्केट से, तो ये तो उन्हें काम करना पड़ेगा, ये समझने की बात है। आप उन्हें प्लीज इस चीज पर करें कि सेल अपनी अपनी प्राइस गिराएं, बल्कि जो कंपेटिटर जो अच्छी सब रेवेन्यू बना रहा है आइडियली तो भी साथ में उन्हें उससे भी बिट कम रखनी प्राइस कम रखनी चाहिए, ताकि वो कोई तो एज उठा सके ना किसी चीज का, बिल्कुल क्यों मैम बायर मैम उनसे दूस लेगा। जी 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 मैम मैम दूसरा इश्यू इसमें यह है कि उसने पैक बनाया हुआ 9 आइटम्स का, यानी कि एक प्रोडक्ट भी सेल कर रहा, पैक सेल कर रहा काफी ज्यादा, ठीक है ठीक है, होम एंड किचन कैटेगरी में, यानी कि मल्टीपल थिंग्स उसने एक पैक में सेल कर रहा। तो उसमें इशू ये है कि जो उसके कंपेटिटर है वो इसलिए भी कम प्राइस में क्योंकि वो चीजें इतनी ज्यादा सेल नहीं कर रहे, ये चीजें भी ज्यादा सेल कर रहा है और इसका प्रॉफिट मार्जिन भी तकरीबन 12 डॉलर बनता है। मैंने इससे बोला कि आप रिड्यूस करके आहिस्ता आहिस्ता करके ना, हम लोग 1 1 डॉलर रिड्यूस करते हैं, तो ग्रेजुअली हम लोग 6 डॉलर तक रिड्यूस करते हैं ताकि हम लोग थोड़ा सा ना अमेजोन की नजर में आ सके, हम उसके अच्छा, बायर्स नहीं को ऑफ मैंने दे तो सकें। ये है ना कि वो उनका ऑफर पैक दूसरों से अच्छा है, वो मतलब एक सेट दे रहे हैं, बाकी जो है वो यूनिट मतलब थोड़े लिमिटेड है इनके ज्यादा है, तो अगर ऐसे सिनेरियो में वो प्राइस ज्यादा चार्ज कर सकते हैं, लेकिन उसमें ऐसा करें कि चले कंपेटिटर्स दूसरे सेलर से तो वो हाई चार्ज कर लें क्योंकि वो एक पूरा सेट दे रहे हैं, मल्टीपल चीजें हैं उसमें, लेकिन कोशिश करें कि अपने ब्रेक इवन पे एटलीस्ट जाकर सेल्स दे दें, या उस पर प्रमोशन लगा देना डिस्काउंट की, ताकि अट्रैक्ट हो कस्टमर, तो उसको वो पूरा पैकेज दें, तो एक बार रैंकिंग पर्पस के लिए उन्हें कुछ प्रमोशन लॉस पे ना आए ब्रेक इवन पे आ जाए, तो इस तरह से एक बार वो करके हिट करें, मतलब सेल्स बनाए, थोड़ा मोमेंटम बनेगा, पीपीसी चलेगी, रैंक होगा, ऑर्गेनिक सेल्स आएंगी, प्राइस भी वो अपनी बढ़ा लें साथ टाइम के साथ, या अभी डिस्काउंट लगा दो उसके बाद प्रमोशन बंद कर दे, लेकिन ये थोड़े से उन्हें रैंकिंग स्ट्रैटेजी पे काम करना पड़ेगा बिल्कुल स्टार्ट। मैम, दूसरी डिफिकल्टी ये है कि मैम 9 आइटम्स हैं, 9 आइटम्स हैं, तो 9 की 9 आइटम्स के कीवर्ड हमें ढूंढने पड़ेंगे अलग अलग से। ऐसा ही है बिल्कुल है। अच्छा देखिए एक तो ऐसा सोचता है कि उसके कंबाइंड प्रोडक्ट का मे बी आपको ऐसा कोई सेट के साथ कीवर्ड मिल जाए जो काम कर जाए, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको बिल्कुल देखने पड़ेंगे कीवर्ड, देखने पड़ेंगे नहीं फिर मैम उन। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैम 9 की 9 आइटम्स उसने अपने ना टाइटल में मेंशन की हुई है और उसको मेंशन किए बगैर गुजारा भी नहीं है, ठीक है मैम, बिल्कुल क्योंकि अगर एक भी चीज मिस होती है तो वो मिसगाइड हो जाता है बायर। नहीं तो फिर तो आपको मैं ऑब्वियसली वो कीवर्ड निकालने पड़ेंगे, उन्होंने से कीवर्ड निकालने पड़ेंगे, सारे कीवर्ड्स उनको निकालने फिर पड़ेंगे, फ्रेज ठीक है ब्रॉड में मैम। डाल देखें, फ्रेज तो ब्रॉड में, क्योंकि देखें जो आपसे लेमन स्क्वीजर लेने आया ना वो उसको लेमन जी स्क्वीजर मैम ही है एग्जैक्ट, तो एग्जैक्ट में यहाँ पर आप इतना फोकस ना करें, क्योंकि आपके पास बहुत वर्सेटैलिटी है ना पैक बिल्कुल प्रोडक्ट, मैम बिल्कुल मैम तो आप एग्जैक्ट को ना टारगेट करें। हाँ आप फ्रेज और ब्रॉड को कर सकते हैं, फ्रेज और ब्रॉड में ठीक करने है से ये मैम फायदा होगा कि आपको मल्टीपल फ्रेजेस मिक्स एंड मैच करके तो वो रेलेवेंसी आपकी हो जाएगी आपके प्रोडक्ट के हवाले से। ठीक ठीक है है मैम मैम दूसरा क्वेश्चन एक ये है कि दूसरे जर्मनी के क्लाइंट है, ठीक है, तो उनकी भी मैंने किया, उसके इंप्रेशंस का इशू है वो लोग हम हल कर लेंगे। तो उनके रिव्यूज का बहुत इशू है, उसके रिव्यूज ज्यादा नहीं है, मैंने उसे कई दफा गया कि आप अपने रिव्यूज बढ़ाएं, लेकिन वो कहता है मुझे वार्निंग आ चुकी है अमेजोन की तरफ से, तो वो कह रहा है कि ये फ्रॉड तरीके ना करें। तो इसमें मैम क्या हो सकता है, क्या मतलब अगर रिव्यूज बढ़ाने के लिए और क्या किया जा सकता है? आप ऐसा कीजिए कि अमेजोन के अपने भी प्रोग्राम होते हैं ना, लाइक वो एक वाइन प्रोग्राम है, इसके अलावा कैप्टन एएमजी है, इनके थ्रू भी रिव्यूज पे काम किया जा सकता है,
तो उनको उनके थ्रू आप लेने की कोशिश करें, क्योंकि वो तो अमेज़न आपको खुद अलाउ करता है। तो इसके अलावा अगर वो वर्क नहीं करते हैं तो फिर आप देखिए, वार्निंग कब आती है, जब आप अपनी एक वेलोसिटी से आपको एक परसेंटेज है कि लाइक आपको 4% लेने, अपनी सेल्स के सिर्फ 4% या 3% से ज्यादा रिव्यूज नहीं लेने, तो अगर उसके अकॉर्डिंगली चेक, फिर वार्निंग नहीं आएगी। अच्छा मैम, ठीक है ज्यादा मैम, मैनिपुलेशन ना करें ना, वो फिर परसेंटेज ज्यादा ठीक ना तो बढ़े। है मैम, उसके रिव्यूज है ही बिल्कुल कम है, लाइक 2-3 रिव्यूज के ऑलरेडी, लेकिन सेल उसकी काफी अच्छी है, तो सेल इसका उसकी मतलब अगर काफी रिव्यूज अच्छी है, बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली सेल्स पे और इफेक्ट आएगा, ज्यादा अच्छी होंगी। मोर इफेक्ट तो वो आएगा अमेज़न का जो बिल्कुल मैम। रिव्यू वाइन जो प्रोग्राम है उसके थ्रू भी कुछ काम कर सकते हैं रिव्यूज पे। ठीक ठीक हो गया मैम, ठीक हो गया, ठीक है मैम, थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया। तो वेलकम। जी सैयद नकीब, आपकी क्वेरी है कि कैन यू टारगेट न्यू कीवर्ड्स इन पीपीसी। ओके, मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम बहुत लो है और नए कीवर्ड अब अपीयर हुए जिनका सर्च वॉल्यूम हाई है। तो बिल्कुल बिल्कुल, देखिए न्यू बॉर्न कीवर्ड आप बात कर रहे हैं जो अभी आए हैं, तो एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा हमें करना होता है। हम क्या होता है, अभी अगर आपने इवन ये सिर्फ पीपीसी की बात नहीं है, लिस्टिंग राइटिंग की भी यही बात है, कॉन्टेंट की भी यही बात है, आपने कीवर्ड टारगेट ही नहीं किए हुए हैं कंटेंट में जो नए कीवर्ड आए हैं। तो आप आफ्टर 3 वीक्स या आफ्टर 2 वीक्स, आफ्टर मंथ, मैं 1 माह बाद तो लाजमी आप चेक करें कि क्या कोई नए कीवर्ड तो नहीं आ गए हैं। और अगर वो नए कीवर्ड आ गए हैं तो उन पे आपको पीपीसी भी चलानी है, लेकिन पीपीसी कब चलेगी, जब वो कीवर्ड आप पे कहीं ना कहीं इंडेक्स हुए हैं। उन्हें इंडेक्स करने के लिए जरूरी है कि आपके कॉन्टेंट में डले हों। तो एक तो ये काम कीजिए कि वो जो नया कीवर्ड है जिसका सर्च वॉल्यूम कह रहे हैं बहुत ज्यादा हाई है, जबकि करंटली जो आपका कीवर्ड है उसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, तो उस नए कीवर्ड को आप अपने टाइटल में ऐड करें। ठीक है, टाइटल में ऐड करने से वो जल्दी इंडेक्स होगा, कन्वर्जन उस पर क्विकली होगी, रैंक वो क्विकली होगा, और उसको पीपीसी पे भी वो भी वर्क करेगा। तो डेफिनेटली हम पीपीसी में नए कीवर्ड टारगेट करते हैं। नहीं, न्यू मेंबर तो ऐड हो रहे हैं। बिल्कुल, आपने जो ब्रांड नेम क्वेरी है कि आपको ब्रांड नेम आपने क्रिएट किया है एनए के, तो क्या आप लेटर ऑन ब्रांड रजिस्ट्री के बाद चेंज कर सकते हैं ब्रांड नेम? बिल्कुल इजीली आप कर सकते हैं। आपको अपने वेबसाइट का यूआरएल देना होता है या अपने इमेजेस देने होते हैं जिसपे सेम यूपीसी शो हो रहा होता है जो आपकी प्रोडक्ट का है, तो अमेजोन ब्रांड नेम चेंज कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। टाइटल इंडेक्स हो गया तो चेंज ना करें जब तक कि वो अच्छा ऑप्टिमाइज है। हाँ, अगर ऑप्टिमाइज नहीं है और आपको लगता है कि आप इससे बेहतर टाइटल बना सकते हैं तब आप उसको ऑप्टिमाइज करें। एमएसआरपी होते हैं कि जिसमें आप जो आपका एक सेलिंग प्राइस होती है डिस्काउंटेड प्राइस है, तो आप वहां पर डिस्काउंटेड प्राइस मेंशन करके एक स्लैश आ जाता है कि भाई पहले आप 9.99 की दे रहे थे, अब आप 8.99 की दे रहे हैं, तो वो आप प्रमोशन दे सकते हैं। और अमेजोन की लिस्टिंग में एडिट करके सेटिंग में ही ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। जी जी सदाम। वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। सलाम। जी, मैम एक हमारी चल रही है 111 के अंदर में लिस्टिंग है, 4 वेरिएशन है लिस्टिंग को, मतलब उसको एज ए सेपरेट ही कंसीडर किया हुआ है। तो एक्चुअली उसको पीपीसी पे ज़्यादा किया हुआ है हमने कि पीपीसी पे लेके चलना है, ऑलमोस्ट डेड लिस्टिंग है, 200 के करीब मंथली ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन नीश बहुत बड़ी है। आप कंसीडर करेंगे अगर उनके सारे कीवर्ड्स देखे तो वो 2100 प्लस उसका सर्च वॉल्यूम बनता है जो सारी नीश के अंदर। तो एक्चुअली ये था कि हम उस पे छोटे छोटे कीवर्ड्स पे स्टार्ट किया है कि उसको हम बूस्ट कराएं, लेकिन कन्वर्जन खास हो नहीं रही, पता नहीं क्या सीन है। वो टॉप पे, अब टॉप सर्च पे हमें कुछ कन्वर्जन नहीं आ रही, अगर मिड पे है प्रोडक्ट पेजेस पे और रेस्ट ऑफ पेजेस पे ज़्यादा कन्वर्जन है। जैसे हम उसको अग्रेसिव होके लेके चलते हैं कि इसको हमें ऊपर हमने रैंक करवानी है, लेकिन वो एज ए स्पेंडर वही कीवर्ड एज ए स्पेंडर बन जाते हैं और जो रेस्ट ऑफ पेज पे वो सही परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह क्या किया जाए इस?
निश के अंदर इस प्रोडक्ट का। जो आप बात कर रहे हैं ना कि रेस्ट ऑफ सर्च पे वो काम कर रहा है, तो समटाइम ऐसा होता है कि एक कैंपेन में रेस्ट ऑफ सर्च पे ही अच्छी सेल आ रही होती है, तो जरूरी नहीं होता हर प्रोडक्ट का ये जरूरी, हर कैंपेन के लिए जरूरी नहीं है कि वो आपको टॉप ऑफ सर्च पे ही सेल बना के देगी। जहां पर आपको जो सेल बना के दे रहा है आप उस पर रिलाय करें, उस पर काम करें। हम टॉप ऑफ सर्च प्लेसमेंट का फोकस वहां पर करते हैं जहाँ पे कीवर्ड एग्जैक्ट मैच टाइप के साथ टारगेट किए और हमें उन कीवर्ड पे रैंक होना होता है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई ये कीवर्ड मेरा टॉप पे स्पॉन्सर हो क्योंकि मुझे इसमें कन्वर्जन चाहिए है, तो उस सूरत में तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज एक कोई कैंपेन ऐसी है जहाँ पे आपको रेस्ट ऑफ सर्च से या प्रोडक्ट पेजेस पे सेल आ रही है, तो आपको मैं कभी भी नहीं कहूंगी कि आप टॉप ऑफ सर्च पे जाके परसेंटेज लगाएं। आप यहाँ पर आपको बनाकर दे रहा है जी। ऑटो के अंदर तो ठीक है, हम नहीं कुछ कर सकते, सही है, लेकिन एग्जैक्ट के अंदर हमने वो कीवर्ड्स टारगेट किए हुए हैं जिनके हमने रैंक करवाना है, लेकिन उन पे भी बिल्कुल यही है। हमने ये किया कि अभी तीन से चार कीवर्ड पकड़े हैं और उस पे $15 पर डे का बजट रखा है, ठीक है। एक का टेन थाउजेंड के करीब सर्च वॉल्यूम है, बाकी जो है वो 3000 से लेस दो तीन कीवर्ड है, लेकिन उन पे भी क्लिक्स आए हैं, सेल कुछ नहीं आई। तो ऐसे वो ऑटो के अंदर वो परफॉर्म कर रहा था कीवर्ड, उसको हमने लेकिन इधर किया, इधर उसने एज ए स्पेंडर ही बन गया, उस पे कुछ सेल वगैरह कुछ नहीं आई। मैनुअल कैंपेन में उसको ऑफ कर दो और ऑटो कैंपेन में उसको नेगेटिव टारगेटिंग ना करें, ऑटो कैंपेन में उसको चलने दें। ऑटो में जो उसमें हमने नेगेटिव अभी नहीं किया था, अभी चल रहा था, ऑटो में ही चलने दें और मैनुअल कैंपेन में उसको ऑफ कर दें। अच्छा, मैनुअल में ना चलाएं तो हमने अब वैसे ऐसे कीवर्ड्स पे अगर रैंक होना है तो उसके लिए फिर क्या किया था? ऐसे कीवर्ड जो आपका ऑटो में अच्छा चल रहा है, मैनुअल में आपने किस मैच टाइप में उसे स्विच किया जिसके बाद वो आपको हाई दे रहा है, एग्जैक्ट उसको हटा दें, फिर आप उसको फ्रेज में टारगेट करके देखिए, मैनुअल में फ्रेज में टारगेट करें। ठीक है। और ये पूछना था कि अगर हम जैसे हमारी क्लोज मैच के साथ चल रही है ऑटो के अंदर कैंपेन, हमने उसकी बिड काफी लो रखी है, 0.51 के करीब है सेंट्स, लेकिन ओवरऑल अगर उसकी सजेस्टेड बिड देखें वो मोर देन $1 है, तो हम क्या लूज मैच के साथ बिल्कुल माइनर सी बिड रख के चलाएं तो उसका कोई इंपैक्ट आ सकता है? देखें आप इसमें क्या करें कि उसको स्प्लिट कर दें, लूज मैच को अलग कैंपेन क्रिएट कर लें, क्लोज के लिए लग रहने दें। क्लोज में अगर आपको थोड़ा सा हाई बिड पे जाना पड़ता है तो आप जाइए, लेकिन लूज मैच पे ज्यादा बिड ना आप रखें। आप ये देखें, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो आपको सजेस्ट $1 कर रहा है, आपने 50 सेंट रखी हुई है, लेकिन अपना सीपीसी चेक करें, हो सकता है आपको 60 सेंट पर ही या 70 सेंट के करीब ही आपकी बिट पड़ रही है और आपको सेल्स जनरेट हो रही है, तो फिर आपको बिट नहीं, 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 वो हमने डाउन ओनली पे रखा हुआ है तो उससे कम ही पड़ रही है। डाउन ओनली में भी अमेजोन बाय डिफॉल्ट 10% तक ऊपर ले जाता है, मतलब 50 सेंट है ना, तो हो सकता है वो आपसे उसके ऊपर 10% आपसे चार्ज कर ले। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक 10 सेंट आपने भी रखी हुई है तो अमेजोन शायद आपसे 11 सेंट चार्ज कर सकता है। तो बाकी ये है कि आप उसको क्लोज मैच में अपनी बिड को, क्योंकि वो आपको देखना ही होता है आपको सेल्स कहाँ पर मिल रही है। जनरली हमें क्लोज मैच पे ही अच्छी सेल मिल रही होती है, बहुत कम ऐसी होती है प्रोडक्ट जहाँ पे लूज मैच सेल्स बनाकर दे रहा होता है। तो आप लूज मैच को बिल्कुल सेपरेट कर लें कैंपेन में, चाहे उसको बजट आप रखें, आपको पता है कि ओके ठीक है इस पर मैंने इतना एग्रेसिव भी नहीं जाना, मुझे बहुत ज्यादा स्पेंड भी नहीं करना, और आप इसको मॉनिटर भी कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, अगर मुझे सेल बनाकर दे रहा है अच्छे सीपीसी पर अच्छे कॉस्ट पर तो ठीक है, अदरवाइज आप उसको टर्न ऑफ कर दें। सही, मतलब ऑटो की जो सारी कंप्लेंट्स हैं वो 25 की रेंज में उनकी कॉस्ट आ रही है, लेकिन जैसे ही हम उनको एग्जैक्ट में टारगेट करते हैं सजेस्टेड से भी लो रखते हैं, लेकिन इनकी कॉस्ट ज्यादा चली जाती है। तो हमने अब रैंक होना है बेसिकली उन कीवर्ड्स पे, छोटे छोटे कीवर्ड्स पे स्टार्ट किया है, लेकिन उन पे भी अभी कुछ अच्छा कोई परफॉर्मेंस नहीं मिल रही, कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे कीवर्ड्स, पता नहीं क्या इसकी नीश में। छोटे छोटे कीवर्ड पे अभी सेल्स अच्छी इसलिए भी नहीं आ रही है क्योंकि ऑब्वियसली जब वो छोटे छोटे कीवर्ड है तो उसका मतलब उनका सर्च वॉल्यूम भी कम है, जब सर्च वॉल्यूम कम है तो उस पर आप कितनी सेल्स बना रही है, तो उन छोटे कीवर्ड पे जितनी आप सेल बना रहे हैं वो ठीक है, वो कंप्लेन वाली बात नहीं है क्योंकि वो कीवर्ड इटसेल्फ सर्च वॉल्यूम उसका इतना नहीं है। लेकिन अगर ऐसे कीवर्ड आपके हैं जो आपको रैंक भी होना है और आपको एनी हाउस पे काम करना है तो उसमें एक काम करें, वो आपको अब आप बता रहे हैं कि हाई कॉस्ट भी आपको देते हैं अगर आप उन्हें तो
कोशिश करें आप कि अभी तो आप अपने वो 5 कीवर्ड उठाएं और सिर्फ फ्रेज में टारगेट करें. जब आप फ्रेज में वो टारगेट करेंगे और वो फ्रेजेस रैंक हो जाएंगी ना, तो जो आपका मेन कीवर्ड है ना एग्जैक्ट एग्जैक्ट में जो वो होगा वो भी समहाउ कहीं ना कहीं उसकी लॉन्ग टेल कीवर्ड की स्पोर्ट से रैंक हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेज में आपने फिर काम करना है एग्जैक्ट मैच टाइप से टारगेट करने का, लेकिन उस वक्त आपको बहुत ज्यादा बिड़नी पड़ेगी क्योंकि आप कहीं ना कहीं सस्टेन कर चुकी होंगी उनके अगेंस्ट. तो अभी आप फोकस करें फ्रेज मैच टाइप से. लॉन्ग टेल कीवर्ड आपने टारगेट कर लिया एग्जैक्ट से, इट्स फाइन. अब आप फोकस करें फ्रेज मैच टाइप से, ठीक है. जो बड़ा सबसे बड़ा कीवर्ड है जो बहुत ज्यादा टफ टाइम दे रहा है, बहुत हाई बिड है, उसको आप भी के लिए थोड़ा सा होल्ड पे रखें और बाकी कीवर्ड्स पे काम करें. मतलब जो सजेस्टेड बिड पे हम 10% के क्रीज इंक्रीज करके तो एज ए फ्रेज भी चला देंगे कीवर्ड्स को. हाँ बिल्कुल. अब जो आपको Amazon सजेस्टेड बिड, देखिए सजेस्टेड बिड का क्या मतलब है, वही बात मैंने आपसे की कि शायद $1 आपके सजेस्टेड बिड और आपने 50 सेंट रखी हुई है, अभी आपको सेल आ रही है ना, तो ये जी जी बिल्कुल $1 बिड Amazon सजेस्ट कर रहा है, आपने 1.25 रख लिया तो भी आपको सेल्स नहीं आ रही. डिपेंड करता है कि क्या आप सेल्स बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे जो आपने बिड रखी हुई है. अभी जो Amazon सजेस्ट कर रहा है अगर वो ऑलरेडी 60 सेंट या 70 सेंट है तो इट्स फाइन, आप 60-70 सेंट से चार्ज स्टार्ट कर लें. लेकिन जो वो बिड सजेस्ट कर रहा है अगर $2 है तो फिर आप $2 पर ना जाएं, आप स्टार्ट लाइक 60-70 सेंट से करें, नहीं रिजल्ट आता तो यू कैन कीप इंक्रीजिंग योर बिड. ठीक है, इसका इम्पैक्ट कोई नहीं आता कि हम ग्रेजुअली अगर उसकी बिड इंक्रीज करते रहें अगर उन पे क्लिक्स वगैरह नहीं आ रहे तो. बिल्कुल आप करें, नहीं नहीं इसमें कोई मसला नहीं है, आप इंक्रीज करते रहिए. ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ओके, अल्लाह हाफिज. जी जैन, मैंने आपको अनम्यूट किया. अस्सलाम वालेकुम मैडम. जी वालेकुम सलाम. मैडम मेरा यूएस का एक क्लाइंट है, उसने पीपीसी को बंद किया हुआ था तो मुझे मिला है, तो क्या मैं पीपीसी को दोबारा चलाने के लिए मैडम उसके कीवर्ड्स को जिस पे कन्वर्जन वगैरह नहीं आ रहे हैं उनको मैं नेगेटिव में डालूं और नए कीवर्ड्स को ऐड करूं, या दोबारा से पीपीसी के लिए नए कैंपेनिंग बना दूं? नहीं देखें, एक तो यह कि आप पहले पुराने कैंपेन्स को स्टडी करें. हो सकते हैं पुरानी कैंपेन्स जब चल रही थी तो अच्छी ही चल रही थी, तो आपको उन्हें फिर नई कैंपेन्स की जरूरत नहीं है. सबसे पहले तो आप पुरानी कैंपेन्स को ऑन कर लें, वापस ऑन कर लें. हो सकता है उसमें से कोई खराब चल रही हो, फिर भी आप उसको ऑन कर लें, क्योंकि जब उसने ऑफ की तब शायद परफॉर्मेंस उनकी, तब क्या सिचुएशन हो मार्केट की, अब शायद वो बेटर हो या वर्स्ट हो पता चल जाएगा आपको. आप कैंपेन्स पुरानी उसकी एज इट इज ऑन कर लें और स्टडी करें कि क्या सब कीवर्ड्स टारगेट किए हुए हैं, कौन कौन से मैच टाइप से किए हुए हैं, यहाँ पर कोई ऐसी स्पेस है जो मिस हो रही है और आप उसे कवर कर सकते हैं. लेट्स से उसने फ्रेज से और एग्जैक्ट से टारगेट किए हुए हैं लेकिन उसने मेन कीवर्ड को ब्रॉड मैच टाइप से टारगेट नहीं किया हुआ, तो ये भी जरूरी होता है. आप फिर नई कैंपेन एक क्रिएट कर लें ब्रॉड मैच टाइप के लिए फॉर सुपर रेलिवेंट कीवर्ड फॉर योर मेन 2-3 कीवर्ड्स. एक काम आप ये कर लें, दूसरी आप देखें कि आपने कैटेगरी टारगेटिंग की है या नहीं की हुई, तो वो करें. फिर आप लो रेटिंग एसिन चूज करें जहां पर आपको लगता है कि जिनकी लिस्टिंग का स्कोर आपसे बड़ा खराब, मतलब लिस्टिंग कंटेंट इमेजेस बड़े खराब है, और या जिनकी प्राइस आप जैसी है या न्यू सेलर है, उनको आप टारगेट करें, प्रोडक्ट टारगेटिंग करें. इस तरह से आप करें और फिर नई कैंपेन कहाँ कौन कौन सी बन गई है जहाँ पे आपको स्पेस नजर आ रही थी, पुरानी कैंपेन को एज इट ऑन कर दिया. अब जब पुरानी कैंपेन 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में जब रिजल्ट दिखाएंगी ना आपको, उस अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करें कि कौन से कीवर्ड को, कौन सी कैंपेन को ऑफ करना है या कौन सी कैंपेन को शिफ्ट करना है मुझे उसकी मैच टाइप के साथ. तो लेकिन अभी फौरन नेगेटिव टारगेटिंग ना करें. ठीक है मैडम, थैंक यू मैडम. ठीक है, पुरानी सर्च टर्म को देखते हुए नेगेटिव टारगेटिंग ना करें. हो सकता है उस वक्त आप उसकी किसी कीवर्ड पे सेल ना बना पा रहे हो, रब्बो बन जाए,
तो इसलिए अभी के लिए पुराने कैंपेन्स को आप ऐसे ही बस कंटिन्यू करें। ठीक है मैडम, उसने ये अक्टूबर की लिस्टिंग है मैडम, तो तकरीबन 6,000 उसने खर्च किया है पीपीसी पे, तो उसके बाद उसने बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसने बंद किया हुआ है। अच्छा, नहीं आप उनको ऑन कर दें, मतलब पीपीसी पे अगर आपको काम करना है तो आप पुरानी कैंपेन्स को अपनी ऑन कर लें। ठीक ठीक है मैडम, ठीक है, है, थैंक यू चलो। मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू। यू वेलकम, यू वेलकम। अच्छा जी, चाचा अगर हम थोड़ी सी क्वेरीज ले रहे हैं तो चाइल्ड वेरिएशन हैव डिफरेंट कलर्स, सो इन पेरेंट व्हाट वुड बी द कलर आई पुट। अच्छा, पेरेंट एसिन में आप लिख सकते हैं लाइक अगर तो दो या तीन कलर हैं तो आप ब्लैक व्हाइट ब्लू स्लैश करके कलर कर दें, या आप फिर अगर ऐसा नहीं है तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं मल्टी कलर, या आप लिख सकते हैं कि चूज चूज कलर, और पेरेंट एसिन पे आ जाएगा चूज अ कलर। बाकी हर एसिन पर, हर चाइल्ड एसिन पे जो भी वो उसका पर्टिकुलर कलर है वो आपने उसके टाइटल में लिखना है। ब्रांड नेम चेंज मेथड में आप क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट का यूआरएल देते हैं, उसमें आप वेबसाइट लेट से मेरा ब्रांड है एबीसी, ठीक है, और एबीसी में आपने कि आपने वेबसाइट बनाई उस पे मैंने उस प्रोडक्ट को डाल देना है जिस प्रोडक्ट पे आपका ब्रांड नेम चेंज करवाना है आपको, जो जहाँ पर आप जो आपकी लिस्टिंग है, ठीक है, उसका आपने ब्रांड नेम चेंज करना है, वो आपने डाल दी अपनी वेबसाइट पे। यूपीसी भी नजर आ रहा होता है वेबसाइट पर, तो यूपीसी आपने वो डालना है जो आपके अमेजोन पे सेलर सेंट्रल में उस प्रोडक्ट का यूपीसी है। सिंपल बस ये चीज़ है, आपका ब्रांड नेम की वेबसाइट है उस पर आपका सेम वो इमेज लगा हुआ है, वो टाइटल है, वो यूपीसी है, तो बस अमेजोन फिर उसको देखकर आपका ब्रांड नेम चेंज कर देता है। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो दूसरा फिर चीज़ मांग लेता है आपसे कि आप अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस दिखाएं जिस पे आपका ब्रांड नेम शो हो रहा हो, तो अपने प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, साथ उसका पैकेजिंग होगी, पैकेजिंग पे ऑब्वियसली आपका ब्रांड नेम प्रिंट होगा ना, वो आप इमेजेस दिखाएंगे तो वो उससे भी आपका ब्रांड नेम चेंज हो जाएगा। देखिए, नया कीवर्ड बार बार तो आता नहीं है कि आपको चेंज करना पड़े। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक की नया कीवर्ड अगर आया और आपके वो टाइटल में ऑलरेडी नहीं डला हुआ था, आपने डाल दिया, सही हो गया। अब उसके बाद फिर एक नया कीवर्ड आया है जो आपके टाइटल में सेम एज टाइप से नहीं डला हुआ लेकिन टाइटल में डला हुआ है, ठीक है। अब क्या एग्जाम्पल हम ले लें कि आप सेल कर रहे हैं लेमन स्क्वीजर, सेल कर रहे हैं, नया कीवर्ड आ गया है लेमन प्रेसर, तो आपने लेमन स्क्वीजर तो डाला हुआ है ना, अब आप लेमन प्रेसर स्क्वीजर कर दें, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं एडिट अपने टाइटल को। अच्छा, नहीं प्लीज शाहिद, आप ये एक कॉमन क्वेश्चन है तो इसलिए मैं इसको आंसर कर देती हूँ। क्वेश्चन ये है कि क्या जब हमारा स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग टॉप पे नजर आ रही होती है तो उस वक्त हम अपनी कैंपेन को कीवर्ड के अगेंस्ट ऑफ कर सकते हैं, तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, आपने क्यों अपने बिट पे की, क्यों एडवर्टाइजिंग की, ये स्ट्रगल सब क्यों की, क्योंकि आप टॉप पे नजर आए। अब जब आप टॉप पे नजर आने लगेंगे और आप अपनी कैंपेन को ऑफ कर देंगे या उस कीवर्ड को ऑफ कर देंगे तो मे बी आप 4 या 5 दिन तो नजर आते रहेंगे स्टिल वहां पर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी वो स्पॉट लूज कर जाएंगे। तो ऐसा आपको ऑफ नहीं करना है। आप ये कर सकते हैं कि अगर तो सेल्स अच्छी बन रही है अच्छे कॉज के साथ उस कीवर्ड पे टॉप स्पॉट पे, तो उसे रहने दे जैसे वो चल रही है, इवेंचुअली कॉज मजीद नीचे आ जाएगा। लेकिन जब आपको लग रहा है कि सेल्स बन रही है लेकिन कॉज थोड़ा सा हाई है, तो फिर स्लाइटली बिट को रिड्यूस करना स्टार्ट कर दें, सेंट बाय सेंट बिट रिड्यूस करना स्टार्ट कर दें, लेकिन टर्न ऑफ नहीं करें कभी भी उसको, ठीक है। अदरवाइज आज नहीं तो कल आप डी रैंक हो जाएंगे, और आपके जो पीपीसी का भी जो रैंक ऊपर नजर आ रहा होता है वो एक्चुअली सपोर्ट कर रहा होता है आपके ऑर्गेनिक रैंकिंग को भी, तो इसीलिए टर्न ऑफ नहीं करें आप। बिल्कुल, 333 टीम आपका चेक करती है आपकी कीवर्ड्स, नहीं आपके चेक करेगी वो, आप वो मुझे नहीं पता आपने जो मुझे कीवर्ड दिए हैं वो ठीक है या नहीं। मैं बिलीव करूंगी कि जो आपने मुझे कीवर्ड्स दिए हैं वो ठीक है। कीवर्ड्स निकालने कैसे, बीबीसी में वीडियोस बड़ी डिटेल में मौजूद हैं कि हाउ टू गेट द कीवर्ड्स फॉर योर कंपेटिटर्स फ्रॉम रिवर्स सेसिन और ब्रांड एनालिटिक्स, सब मौजूद है वहां से, आपने देखना है उसको, कीवर्ड्स निकालने हैं। कीवर्ड्स आप शेयर करेंगे,
टीम ने देखना है कि क्या कंटेंट आपका टू द मार्क है, आप टू द मार्क है, आपका कंटेंट अमेज़न की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, क्या कोई चीज़ आपने ऐसी तो नहीं लिखी जिससे अमेज़न आपके लिस्टिंग को ब्लॉक कर दे, आप और कोई ऐसे वर्ड यूज़ नहीं किए हुए हैं कि अमेज़न से लिस्टिंग सस्पेंड कर दे। तो ये चीज़ें जो हम देखेंगे, आपके इमेजेस देखेंगे, उनकी क्वालिटी देखेंगे, क्या इमेजेस प्रॉपर ठीक से हैं, आपके यूटिलिटी आप दिखा रहे हैं, लाइफ स्टाइल इमेजेस दिखा रहे हैं, प्रोडक्ट का साइज मैंशन कर रहे हैं, तो ये सब चीजें हम देखेंगे। और यस, आपकी वीडियो, आपकी पीपीसी की वीडियो, ये सब चीजें भी हम ग्रुप में देखेंगे। टीम देखती है, पूरा वैल्यूएशन करती है, आपका बैकएंड भी चेक किया जाता है कि बैकएंड सिस्टम में आपने क्या क्या डाला हुआ है आप, और उसके बाद फिर आपको परमिशन मिलती है 111 में अपग्रेड करने की। अच्छा देखिए, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन से स्क्रिबल, देखिए मैं स्क्रिबल से कहती हूँ कि आप कर लें यूज, लेकिन कब करें, आप एक दफा अपना कंटेंट बना लें, अच्छा सा बना लिया आपने, अब आपने चेक करना है कि क्या कुछ मिसिंग तो नहीं है, अब आप अपने ही कंटेंट को उसमें ऐड करें स्क्रिबल में, और रन स्क्रिबल रन करके देखें अपनी ही एसिन पर, और देखें कि कुछ वर्ड मिस तो नहीं है। इस हद तक तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए मैं भी यूज कर लेती हूँ और आप भी यूज कर लें। लेकिन अगर आपने लिस्टिंग का कंटेंट फर्स्ट टाइम लिखना है, आप स्क्रिबल यूज कर रहे हैं, वो उससे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ। उसकी रीजन ही होती है, देखिए आपका सबसे बड़ा कीवर्ड है, समझो उसका 50,000 सर्च वॉल्यूम है लेमन स्क्वीजर का। अब आपने जब लेमन लिख दिया और साथ लिख दिया गार्लिक, लेमन गार्लिक प्रेशर स्क्वीजर, तो हीलियम ने आपको जाने देना है, उसने कहना ठीक है लेमन भी डल गया, स्क्रिबल वो और वो भी डल गया, स्क्वीजर भी डल गया, और ठीक है जाने दे। लेकिन मुझे एक्चुअली लेमन स्क्वीजर इकट्ठा डालना था, क्योंकि सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम इसके, मुझे अपने टाइटल का स्टार्ट ही इसी कीवर्ड से करना है ताकि ये जल्दी रैंक होने लग जाए, मुझे रैंकिंग में हेल्प मिलेगी ऑब्वियसली जब वो टाइटल के स्टार्ट में होगा। तो इसीलिए कोशिश करें कि जो आपके सुपर रेलेवेंट 4-5 कीवर्ड होते हैं ना, उनको आप एज इट इज विद एग्जैक्ट मैच टाइप टारगेट करें इन योर टाइटल एंड योर बुलेट पॉइंट्स। उसके बाद फिर आप बाकी सब कीवर्ड्स को स्प्लिट कर सकते हैं, उनके फ्रेजेस को तोड़ सकते हैं और ये सब चीजें, और फिर आप स्क्रिबल से इस चेक कर सकते हैं कि अगर कोई कीवर्ड लेफ्ट ओवर रह गए आपके जो आपने यूज नहीं किए कंटेंट में, अदरवाइज उसको मतलब स्क्रैच से स्क्रिबल्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जी जुहैब, आप बात कर रहे हैं कि क्या ऑटो कैंपेन में जो आपके एसिन आ रही होती हैं आप उन एसिन्स को मैनुअल कैंपेन में टारगेट कर सकते हैं। देखिए अगर कोई एक ऐसी एसिन है जो 7-8 ऑर्डर्स आपको लाकर दे रही है या मोर देन 4 ऑर्डर लाकर दे रही है, इसका मतलब आप उस एसिन को टारगेट करेंगे तो चांसेस हैं कि आप सेल बना सकते हैं। तो डेफिनेटली आप एक नई कैंपेन क्रिएट करें और उस एसिन को टारगेट कर लें, लेकिन कोशिश करें जब तक वहां पर कन्वर्जन स्टार्ट नहीं करती है, जब तक वो वहां पे कन्वीनियंस स्टार्ट नहीं करती है, तो आप उसको ऑटो कैंपेन में नेगेटिव ना डालें, ऑटो में उसको एज इट इज चलने दें। जी अनम्यूट कर रही हूँ मैं कवर आपको। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैम मेरा इशू ये है कि 5 साल पुरानी लिस्टिंग है, मैंने ना उसका टाइटल चेंज करना चाह रहा हूँ। जो मेन कीवर्ड है मैं उसको पहले लेके आना चाह रहा हूँ, मतलब जो सर्च वॉल्यूम जिसका ज्यादा है, पहले वो ऐसे फुली ऑप्टिमाइज्ड टाइटल नहीं था, लेकिन मैं थोड़ा सा हेसिटेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले किया इस तरह पुरानी लिस्टिंग का, तो उसकी सेल्स एकदम ड्रॉप हो गई, मतलब उसकी 15-20 सेल्स आती थी वो जीरो पे चली गई। तो क्या इतनी पुरानी लिस्टिंग का टाइटल हमें चेंज करना चाहिए? देखिए अगर तो ऐसा हो गया कि बहुत पुरानी लिस्टिंग थी वो सेल्स लाकर दे रही थी, तो फिर आपने उसका टाइटल चेंज किया, टाइटल ऑप्टिमाइज नहीं था, क्या रीजन थी? टाइटल ऑप्टिमाइज नहीं था, कम्पीट नहीं कर पा रहे थे हम, सेल्स 10-15-20 आ रही थी लेकिन जो कंपेटिटर्स थे वो 30+ ले रहे थे, और वो सारे जो थे हमारे से बाद में लॉन्च हुए थे, हमारी 2015 की लिस्टिंग थी वो 18-19 में लॉन्च होने के बाद हमारे से ऊपर जा चुके थे, इस वजह से मैं मैं समझ गई हूँ कि आपके बाद भी जो आए हैं वो भी आपसे बेहतर परफॉर्म कर रहे थे, तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आपको रीमैपिंग की जरूरत थी, आपने क्या किया, आपने टाइटल को रीमैप किया है। ये कोशिश कीजिए कि जो टाइटल में आप कीवर्ड डालने जा रहे हैं आपको सुपर रेलेवेंट होने चाहिए, रेलेवेंसी बहुत जरूरी है। कीवर्ड आपको रेलेवेंट होने चाहिए टाइटल में, प्लस देखें कि जो सेकंड इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, मतलब आपने लेट से 2 कीवर्ड अपने टाइटल में डाल दिए, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उसको अपने फर्स्ट बुलेट पॉइंट में ऐड कर लें,
सिस्टम्स आपकी ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, ये भी देख लें कि क्या मार्केट में अब जो कंपटीशन चल रहा है आपकी उसके अकॉर्डिंगली आपके इमेजेस उस क्वालिटी के हैं या नहीं। क्या आप ऐसा तो नहीं कि आपकी टाइटल तो आपने छेड़ ली लेकिन बाकी लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर आपका अच्छा नहीं है, आपके इमेजेस इतने अच्छे नहीं है, ये चीजें आपको देखनी होंगी। बैकएंड पे अगर आपने कोई इरेलेवेंट वर्ड डाले हुए सर्च टर्म पे तो वो आपको रिमूव करने होंगे। डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, ऐसे वर्ड्स जो आप ऑलरेडी फ्रंट एंड पे डाल चुके हैं उसको बैकएंड सर्च टर्म्स में ना डालें। ये चीजें करें आप क्या करें, जो आपके कीवर्ड आप टाइटल में डाल रहे हैं जो आपको लगता है कि ये सेल्स ला कर देंगे और ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड, और ये पहले भी आपको सेल्स ला कर दे रहे थे लेकिन सेल्स अब ड्रॉप हुई है ना, तो अब आपने उन कीवर्ड में पीपीसी के थ्रू थोड़ा सा एग्रेसिव जाना है, तो वो फिर टाइम लेगी लेकिन क्विकली आप चीजों को वापस टेक ओवर कर लेंगे। मैम ये जो हम अगर हमारे पास ईबीसी अपलोडेड है प्रोडक्ट की, तो जब हम जो डिस्क्रिप्शन होती है उसमें कीवर्ड्स डाल सकते हैं, मतलब कीवर्ड को वो तो डिस्प्ले तो नहीं होंगे वो डिस्क्रिप्शन जो है हमारी, वो ईबीसी में कीवर्ड तो इंडेक्स नहीं होते हैं। हाँ डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने डाले हैं तो वो उसके बाद भी सेल्स ड्रॉप हुई है, ये दो एक्सपेरिमेंट मैंने किए हैं, टाइटल वाला और डिस्क्रिप्शन वाला। एबीसी अपलोडेड है नहीं, वो ऐसा नहीं है, आपकी जो सेल्स ड्रॉप हुई है वो आपके हो सकते जो आपने टाइटल छेड़ा उसकी वजह से हुई हो, लेकिन साथ साथ आप ये भी तो देखिए टाइटल छेड़ने से सेल्स ड्रॉप हुई है लेकिन आपने टाइटल क्यों छेड़ा, ताकि उन कीवर्ड्स पे आप काम कर सके, तब उन कीवर्ड्स पे भी तो काम करें ना, उस पर पीपीसी चलाएं और उनको आप बहुत उसमें करें आप लाइक मतलब फ्रेज या एग्जैक्ट के साथ फोकस करें कि मुझे इस पर सेल्स बनानी है, तो थोड़ा सा आपको इस पे काम करना होगा पीपीसी के पर्सपेक्टिव से भी, तो फिर आप सेल्स वापस पकड़ लेंगे। सही मैम, वन लास्ट क्वेश्चन कि मैं जब स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले में जाके कैटेगरी टारगेटिंग करता हूं तो मेरी प्रोडक्ट इनएलिजिबल शो होती है, तो वो उसको मतलब इनएलिजिबल क्यों शो होती है मुझे ये नहीं समझ आ रही, मैं उसको वो कैटेगरी टारगेट में फ्रांस में तो कर पा रहा हूं लेकिन यूएस में नहीं कर पा रहा। नहीं वैसे ऐसा नहीं है, ineligible शो होना नहीं चाहिए, ineligible तभी सिर्फ शो रही होती है जब आपकी लिस्टिंग आउट ऑफ स्टॉक होती है, तो अगर इस तरह से है तो अमेज़न के साथ केस ओपन कर लें, वो फिक्स कर देंगे इसको। ठीक है मैम, ठीक, थैंक यू, नो प्रॉब्लम। जी शाहरुख, आपको मैंने अनम्यूट किया। जी वो मेरा ब्रांड लिस्टिंग का वाले क्वेश्चन था, वो आपने पहले ही रिजॉल्व कर दिया, थैंक यू सो मच। सॉरी हसन, आपका मैं आपको अनम्यूट नहीं कर सकती हूँ, आपका माइक यहाँ पर नहीं अवेलेबल, आई गेस आपके पास माइक नहीं, आप चैट में कोई भी कर लें। जी नुमान, आपको अनम्यूट किया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैम, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम एक्सटेंसिव कीवर्ड रिसर्च करते हैं जिसके अंदर हम टॉप 10 कंपटीटर्स और ब्रांड एनालिटिक्स की शीट को कंपेयर करके अपनी कीवर्ड्स निकालते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि जब हम बैकएंड की बात कर रहे होते हैं तो जो सब्जेक्ट मैटर होता है, क्या वहां पे हमें अपनी प्राइमरी कीवर्ड्स डालनी चाहिए? अच्छा देखिए, सब्जेक्ट मैटर वैसे तो अब अमेजोन ने ना बहुत ज्यादा अकाउंट तो बैकएंड से खत्म कर दिया है, वो आपको नजर ही नहीं आएगा, लेकिन अगर आपके पास वो नजर आ रहा है तो आप अपने मेन कीवर्ड्स प्राइमरी कीवर्ड्स को वहां पर डाल सकते हैं। इसमें वैसे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, अकॉर्डिंग टू हीलियम, जब आप हीलियम की बात करते हैं तो वहां पर तो आपको सब्जेक्ट मैटर में भी रिपीटेशन नहीं करनी है, लेकिन मैंने ऐसा अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि अगर आप अपने मेन कीवर्ड्स को सब्जेक्ट मैटर में डाल देते हैं तो ये रैंकिंग में हेल्प करता था। अब ये भी पहले की बात हो चुकी हुई है, जब तक के हर अकाउंट में सब्जेक्ट मैटर हुआ करते थे, लेकिन अब तो ये फील्ड आपको नजर ही बहुत कम कम कहीं कहीं आएगी, पर स्टिल यू कैन ऐड योर प्राइमरी कीवर्ड्स हियर। ठीक है, और मैम प्लांटेनियम जो कीवर्ड्स होते हैं यहाँ पे कौन सी कीवर्ड्स हमें डालनी चाहिए और इनका क्या इंपैक्ट होता है? दिस फील्ड इज नॉट फॉर द सेलर, ये प्लैटिनम वेंडर्स के लिए होता है, तो आप इसको एम्प्टी छोड़ सकते हैं। खाली छोड़ दें? जी जी बिल्कुल, इसको खाली छोड़ देंगे, सेलर्स के लिए है ही नहीं है। प्लैटिनम कीवर्ड पे अगर आप
साथ ही क्वेश्चन मार्क बना होता है ना, तो आप वहां पर अपना कर्सर लेकर जाएंगे तो वो आपको वहां पर बता रहा होगा कि ये वंडर्स के लिए फील्ड है। लेकिन अगर आप फिर भी अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कि नहीं मुझे कुछ भी खाली नहीं छोड़ना, मुझे इन एनी केस अपने बैकएंड पे हर फील्ड में कुछ ना कुछ डालना है, तो अपने प्राइमरी कीवर्ड्स को यहाँ पर भी डाल सकते हैं। ओके और जब मैम इंटेंट टू यूज का जो कॉलम होता है जहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट की एप्लीकेशन लिखते हैं, अगर वहाँ पे प्रॉपर जितनी भी आपकी टारगेटेड एप्लीकेशन उनके सब के नाम लिखे जाएं तो ये हेल्प करती है आपकी रैंकिंग के ऊपर? अच्छा देखिए, प्रेफर तो ये किया जाता है कि जो अमेज़न ने आपको वैल्यू दी हुई है ना ड्रॉप डाउन में से, आप वही यूज करें, आप खुद से चीज मैनुअली ऐड नहीं करें। अच्छा, इसका मतलब आप खुद से वर्ड्स ना डालें, जो ड्रॉप डाउन के अंदर है वही ऐड करें? अभी तो वैसे आप देखेंगे इंटेंडेड यूज में आपको ड्रॉप डाउन में मिलते वैसे काफी कम है, उसमें बहुत सारी ऐसी टर्म्स होती हैं, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे दिए होते हैं जो एक्चुअली बहुत सारी हमारी कैटेगरीज में यूज ही नहीं हो रही होती है। लेकिन अगर आपको कोई रेलेवेंट मिल जाती है, मतलब फॉर एग्जाम्पल पोर्टेबल है, मिल गई है, तो आप इसको पोर्टेबल लिख लें। नेक्स्ट फील्ड में आप खुद से कोई वर्ड ऐड कर सकते हैं जो आपको लगता है कि इसका इंटेंट, इसकी इंटेंट है, आप उसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन फोकस करें कि वो चीज लाजमी ऐड करें जो आपको ड्रॉप डाउन जो वहाँ पे ऑप्शंस आ रहे होंगे वहां से जो मिलता है। वैसे इंटेंट यूज भी अब आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द अकाउंट्स पे नहीं है ये इंटेंट यूज, सब्जेक्ट मैटर और प्लैटिनम और इसके अलावा अदर फीचर्स, इस काफी सारी टैब्स ऐसी हैं जो अब वैसे बैकएंड से गायब हो चुकी हुई हैं, सिर्फ सर्च टर्म्स आपको मिलती हैं और इम्पोर्टेंस भी सर्च टर्म की ही है। तो लेकिन अगर आपको मिल जाती है, अगर आपके पास ये फील्ड अवेलेबल है तो आप इसमें डालें, फर्स्ट फील्ड में वो डाटा डालें जो आपको ड्रॉप डाउन से मिल रहा है, सेकेंड में आप डाल सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये इसकी इंटेंट है तो आप उसको डाल दें मैन। That's a great. अच्छा मैम, एक और क्वेश्चन इसमें यहाँ पे ये बनता है, जो सर्च टर्म के अंदर हम अपनी सर्च टर्म डाल रहे होते हैं, जो कीवर्ड्स डाल रहे होते हैं, हमने वो कीवर्ड्स डालने हैं जो कि लिस्टिंग के अंदर मौजूद ना हो, जो कि लेफ्ट ओवर हो जाए, राइट? बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, और जब हम पीपीसी चला रहे होते हैं तो इट्स आइडियल कि हम अपने टॉप थ्री मेन कीवर्ड्स के ऊपर ब्रॉड फ्रेज और एग्जैक्ट तीनों चलाएं, या जस्ट फ्रेज और एग्जैक्ट को ही चलाएं? नहीं नहीं, ब्रॉड भी चलाएं, फ्रेज भी चलाएं और एग्जैक्ट भी चलाएं, तीनों चलाएं। ओके, आप क्या सजेस्ट करती हैं कि कितने टॉप वर्ड्स के ऊपर ये तीन कैंपेन्स चलानी चाहिए? देखिए मैं तो कहूंगी अगर आपको टॉप 20 कीवर्ड है ना, ऐसे सब वो कीवर्ड जिनका सर्च वॉल्यूम 1000 की रेंज में आता है, 1000 तक आपका आता है, आप उन सबको टारगेट करें। ब्रॉड में सिर्फ सुपर रेलेवेंट डालें, मतलब वो तीन है या चार है या पांच है, आप उतने डालें। बाजू का होते सिर्फ दो कीवर्ड है मेन कीवर्ड, आपको तो सिर्फ दो को डाल दें ब्रॉड में। लेकिन फ्रेज में आप उन सब कीवर्ड को टारगेट करें, जितने भी आपको कीवर्ड निकलते हैं, 20 निकलते हैं, 30 निकलते हैं, सबको डालें। हाँ, लेकिन उन्हें स्प्लिट जरूर कर लें कैंपेन टू कैंपेन, ऐसा नहीं है कि एक ही कैंपेन में 30 डाल दें, उससे ये होगा हो सकता है पहले 5 कीवर्ड जो कन्वर्जन देना स्टार्ट कर दें, अब 80% लेटर ऑन 80% बजट आपका वही 5-6 कीवर्ड कंज्यूम कर जाएंगे, बाकी कीवर्ड्स में गेस्ट इंप्रेशन भी नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें बजट नहीं प्रॉपर मिल पा रहा होगा। तो इसके लिए आप सबमिट कर लें उनके सर्च वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जाम्पल आप भी देख लें कि ओके जितने भी 30,000 से 40,000 वाले सर्च वॉल्यूम है उनको मैंने एक कैंपेन में कर दिया, 10,000 से 30,000 वाले को एक में कर दिया, लेस देन 10,000 को मैंने सेपरेट कैंपेन में। तो इस तरह से उनका कैटेगराइज कर लें और उनका फ्रेज भी चलाइए। एग्जैक्ट के लिए आप ऐसा करेंगे कि जिन कीवर्ड पे आपका लाइक टॉप 10 कीवर्ड है जिन पे आपको और हाईली रेलेवेंट है उन पे आप अपनी फ्रेज कैंपेन चला लें, जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है उन पर आप अपने एग्जैक्ट कैंपेन चला सकते हैं। तो इस तरह से आप मल्टीपल कैंपेन्स मल्टीपल कीवर्ड्स के लिए टारगेट कर सकते हैं, कोई ऐसा थंब रूल नहीं है कि आप 5 से ज्यादा कीवर्ड नहीं ले सकते हैं या आप 30 से ज्यादा कीवर्ड नहीं ले सकते हैं या 5 से कम नहीं ले सकते हैं। आप जितने कैंपेन्स पॉसिबली आप क्रिएट कर सकते हैं सब क्रिएट करें, जितने पॉसिबल कीवर्ड्स आप टारगेट कर सकते हैं करें, मल्टीपल मैच टाइप्स से करें। यू डोंट नो, मुझे भी नहीं पता कौन से कीवर्ड कहाँ पे काम कर जाए, हो सकता है आपके मेरी सेम प्रोडक्ट है लेकिन हमारे मैं किसी और कीवर्ड पे सेल बना रही हूँ, आप किसी और कीवर्ड्स पे सेल बना रहे हैं। तो आप सब ऑप्शंस को ट्राई करें फिर, लेकिन हम कंटिन्यू सिर्फ उन्हीं चीजों के साथ करते हैं, उन्हीं कीवर्ड्स और उसी स्ट्रेटेजी के साथ जो बेनिफिशियल होती है हमारे लिए। ठीक हो गया। अच्छा मैम, जब ईबीसी के कंटेंट के पीछे ईबीसी जो फ्रंट एंड के ऊपर तो ईबीसी का कंटेंट आ रहा होता है और ईबीसी कंटेंट के ऊपर आपकी वर्डिंग होती है जो कि इंडेक्स नहीं होती, ऐसे ही है? ऐसा ही है। अच्छा,
तो पीछे डिस्क्रिप्शन जो बैकएंड पे हम डाल रहे होते हैं, तो डिस्क्रिप्शन का वर्ड डिस्क्रिप्शन का कॉलम होता है, तो वहां पे फिर सारे अपनी कीवर्ड्स जो लेफ्ट ओवर फ्रॉम बुलेट पॉइंट्स हो जाएं वहां पे वो सारे पुट कर देनी चाहिए? नहीं नहीं, वो आप EBC में डाल सकते हैं। जब आप इमेजेस में अपना जब EBC में आप अपना इमेज अपलोड कर रहे होते हैं ना, तो वो इमेज के पीछे आपको स्पेस दे रहा होता है 50 कैरेक्टर लिमिट की, आई गेस, कि आप यहां पर अपना कीवर्ड डाल सकते हैं, वहां पर आप डाल लीजिए। ओके ओके, तो इसका मतलब हर एक पिक्चर के साथ हमें 50 कीवर्ड्स का एक स्पेस मिलेगा? बिल्कुल, 50 आपको 50 कैरेक्टर्स की आपको स्पेस मिलती है। ठीक हो गया मैम। मैम सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। जी जुनैन, आपका क्वेश्चन है कि ऑटो कैंपेन अगर आपकी अच्छी चल रही है तो क्या मैनुअल में मूव करना जरूरी है? देखिए, ये बहुत पुरानी बातें होती थी, जब हम ऑटो कैंपेन क्रिएट करने के 2 माह बाद मैनुअल कैंपेन क्रिएट किया करते थे। अब तो जब हमने ऑटो कैंपेन क्रिएट करनी है, साथ पैरल आपको मैनुअल कैंपेन क्रिएट करनी ही करनी है। क्यों? अब तो आपको पता है ना, अब आपके पास टूल्स हैं, आप प्रोडक्ट बाद में लॉन्च करते हैं, कीवर्ड्स आपके पास पहले होते हैं, तो अब आपने मैनुअल कैंपेन साथ में ऑन करनी ही है शुरू से ही। अब बात यह है कि क्या ऑटो कैंपेन से कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करके मैनुअल में डालने हैं? हाँ, उसमें अब ये है कि अगर आपके वो कीवर्ड जो बड़ी अच्छी सेल्स बना के दे रहे हैं ऑटो में, आप उनको मैनुअल में डालें, लेकिन उसको ऑटो में भी नेगेटिव टारगेटिंग ना करें, एटलीस्ट तब तक जब तक कि वो मैनुअल में कन्वर्जन देना स्टार्ट ना कर दें। हो सकता है मैनुअल में वो कन्वर्जन ना दें, तो फिर आप उसे ऑटो में, तो आपके ऑलरेडी कंटिन्यू थे ना, मैनुअल से ऑफ कर सकते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट दे रहे हैं, हाई स्पेंड दे रहे हैं, सेल्स अच्छी नहीं दे रहे हैं मैनुअल में, तब आप ऑटो में से कंटिन्यू रहने दें। अगर वो मैनुअल में भी कन्वर्ट होने लग गए हैं, साथ साथ ऑटो में भी सेल्स बनाकर दे रहे हैं, तो फिर दोनों में कंटिन्यू रहने दें। हाँ, ऑटो में कब नेगेटिव टारगेटिंग करेंगे? जब मैनुअल में वो सेल्स बनाते बनाते इतनी अच्छी उसके एक मोमेंटम बन गया है, अब वो टाइम आ गया कि ऑटो कैंपेन में सेल्स पहले 20 दे रहे थे, अब सिर्फ 2 दे रहे हैं। पहले कॉस्ट भी आपको 30% था, अब कॉस्ट भी 60% है। अब आप उस ऑटो में नेगेटिव टारगेटिंग कर सकते हैं। अदरवाइज ऑटो से जो कैंपेन कीवर्ड आप एक्सट्रैक्ट करें मैनुअल के लिए, उनको दोनों कैंपेन में चल देते। जी अदनान, आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा क्लाइंट था US का, उस पे हमने इनिशियली जो है मास्टर कीवर्ड्स निकाले, फिर हमने कैंपेन स्टार्ट की, तो उसमें हमसे हमने ये किया कि जो एग्जैक्ट कीवर्ड्स थे जो हाई सर्च वॉल्यूम्स वाले थे, उसके साथ हमने एक लो सर्च वॉल्यूम वाला एक ही कैंपेन में ऐड कर दिया। तो कुछ दिनों बाद हमें फिर उसका वो हुआ कि सारी जो बिडिंग थी, सारा जो था वो जो हाई सर्च वॉल्यूम वाला था उस पे जा रही थी, और वो जो लो बिड वाले थे तो लो सर्च वॉल्यूम वाले उस पे नहीं आ रहे थे। लेकिन जो है ना, कुछ दिनों बाद फिर हमने उनको हटा के जो है ना उसकी कैंपेन चेंज कर दी, और उसमें सिर्फ जो है ना हाई सर्च वॉल्यूम वाले डाले। फिर हुआ ये कि CPC जो थी ना वो काफी जो है हाई आ रही थी उसकी, हाई सर्च वॉल्यूम की, तो CPC को जो है ना कम करने के लिए हमें डे पार्टिंग का, क्योंकि रिकमेंडेड नहीं इनिशियली, तो हमारा ख्याल था कि हम डे पार्टिंग करेंगे, तो फिर हमने डे पार्टिंग तो नहीं की, फिर डे डिस्ट्रीब्यूशन पे हमने टाइम रख के की। तो आप इसके अलावा और क्या सजेस्ट कर रही हैं कि CPC उसकी कैसे हम जो है ना रिड्यूस करें? आपने उन कीवर्ड्स को सब निकाल दिया उस कैंपेन से जो आपके हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड, तो आपकी बिड भी ले, आपको बजट भी ले रहे थे, बिड भी हाई थी, लेकिन कुछ कीवर्ड ऐसे थे जो वहां पर नहीं काम कर रहे थे, उनको आपने निकाला उस कैंपेन से? जी जी, वो जो जो जिसकी कन्वर्जन कम थी और सर्च वॉल्यूम भी कम था और बिड जो दूसरे ले रहे थे, उसको तो हमने वहां से हटा दिया। लेकिन वो अभी जो हमारा एग्जैक्ट कीवर्ड है वहाँ पे CPC काफी हाई आ रहा है, उसके लिए हमने डे पार्टिंग भी की, डे डिस्ट्रीब्यूशन भी की, लेकिन उसी पे जो है ना हमारा जो कंपटीटर है वो भी चला रहा है बिट, तो इसलिए CPC कम नहीं हो रहा। ओके, आप ये देखें कि आपने CPC आपने वहां पर स्ट्रेटजी क्या की हुई है, बिडिंग स्ट्रेटजी आपकी क्या है? बिडिंग हमने जो है ना अप एंड डाउन दोनों रखी हुई है। और आपकी प्लेसमेंट में भी आपने परसेंटेज लगाई हुई है? जी, प्लेसमेंट में भी लगाई है। ओके, अब आप एक काम करें,
अच्छा बिड जो आपने रखी हुई है वो सजेस्टेड बिड रखी हुई है या सजेस्टेड बिड से कम या ज्यादा रखी हुई है? हमने ज्यादा और कम रखी हुई है। नहीं नहीं अब आप ज्यादा रखी है, सजेस्टेड बिड से ज्यादा है जी। ठीक है ओके। अभी आप जो आपको सीपी से पड़ रही है वो आपके बिड से काफी हाई पड़ रही होगी जो आपने बिड रखी हुई है। ऐसे ही है। अच्छा उसकी रीजन क्या है? आप यहाँ पर सुपर एग्रेसिव गए हुए हैं। जब हम सुपर एग्रेसिव जाते हैं ना तो हमारी सीपीसी ऐसे ही हाई जा रही होती है। मिस्टेक हमसे क्या हुई है, बिड तो हमने ऑलरेडी सजेस्टेड से भी हाई रखी हुई है, प्लस हमने अमेजोन को कह दिया जब मैं टॉप पे नजर आऊँ मेरी बिड और 100% इंक्रीज कर दो। अगर मैंने वहां पर 100% का इंक्रीमेंट लगाया होगा तो ये मेरी क्या हो गई, 50 सेंट पर मुझे सजेस्ट कर रहा था, 70 सेंट मैंने रखी हुई है, 100% का मैंने टॉप पर उसको इंक्रीमेंट कर दिया तो 70 की जगह पे वो $1.50 हो गए यहाँ पर ही। ऊपर से मैंने बिडिंग स्ट्रेटेजी भी अप एंड डाउन कर दिया, मतलब मजीद 100% इंक्रीज कर दूंगी। तो अब ये बात आपकी सीपीसी कहाँ चली गई, ये ऑब्वियसली आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी। यहाँ पर आपको क्या काम करना है, सबसे पहले प्लेसमेंट में जाइए और ये देखिए कि आपको एक्चुअली सेल्स बन कहाँ पे रही है। टॉप ऑफ सर्च प्लेसमेंट पे बन रही है, प्रोडक्ट पेजेस पे बन रही है, कहाँ बन रही है, लेट्स से टॉप ऑफ सर्च पे बन रही है लेकिन अकॉज वहां पर हाई आ रहा है, सेल्स तो मुझे मिल रही है टॉप स्पोर्ट से लेकिन अकॉज बड़ा हाई है, या मुझे प्रोडक्ट पेजेस पे भी सेल्स मिल रही है, मुझे टॉप ऑफ से भी मिल रही है, मुझे प्रोडक्ट पेजेस पे भी मिल रही है लेकिन दोनों की गेस मेरा कॉज बहुत हाई है। इसका क्या मतलब है कि भाई मुझे नहीं लगानी पे परसेंटेज, मुझे परसेंटेज नहीं अप्लाई करनी प्लेसमेंट में क्योंकि इस परसेंटेज के साथ ही मुझे बहुत महंगा पड़ रहा है, मुझे ऑर्डर तो आ रहे हैं यहाँ पर लेकिन बहुत महंगे आ रहे हैं। तो क्या करूँ, क्या मैं परसेंटेज से 0% कर दूँ? एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि यह मैं बिडिंग स्ट्रैटेजी अपनी डाउनलोड भी कर लूँ। दोनों में से एक काम आपको करना पड़ेगा, या तो आप अगर तो आपको लग रहा है सेल्स अच्छी आ रही है अकॉज बहुत हायर तब तो परसेंटेज से भी आप हटा दीजिए, मतलब अप एंड डाउन बिडिंग रहने दी स्ट्रैटेजी लेकिन परसेंटेज 0% कर दें अपनी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अकॉज भी मेरा ठीक है, सेल्स भी अच्छी बन रही है टॉप ऑफ सर्च पे पैसा लगाने से, तो आप टॉप ऑफ सर्च पे पैसा लगाइए लेकिन बिडिंग स्ट्रैटेजी को अप एंड डाउन से डाउन ओनली कर लें, एक चीज ये करें। दूसरा क्या, मतलब ये दो ऑप्शन मिल गए ना आपको ऑल्टरनेट, या आप टॉप ऑफ को करेंगे मतलब प्लेसमेंट पे काम करेंगे या बिडिंग स्ट्रैटेजी पे। एक जो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो आपकी बिड है ना वो जो अमेजोन आपको सजेस्ट कर रहा है उससे थोड़ी सी लो कर लें। देखिए अमेजोन आपको सजेस्ट कर रहा है बाय डिफॉल्ट के भाई 75 सेंट बिड लगाओ, लेकिन वो कब है, चलिए बिडिंग स्ट्रैटेजी भी डाउन हो गया प्लेसमेंट भी कुछ नहीं है, जब आप ऑलरेडी अग्रेसिव जाकर खेल रहे हैं प्लेसमेंट पे या बिडिंग स्ट्रैटेजी पे तो बिड हाई लगाने की क्या जरूरत है। बिड या एटलीस्ट सजेस्टेड पे लें, बहुत कम ना करें। अगर अमेजोन 50 सेंट कह रहा है आपने 75 सेंट रखा हुआ है तो बिड अपनी 50 सेंट कर लें, बिडिंग स्ट्रैटेजी को अपनी डाउन ओनली कर लें। अगर बिडिंग स्ट्रैटेजी डाउन ओनली नहीं करनी है तो प्लेसमेंट पे अपने जाकर 0% कर लें। और क्यों करेंगे प्लेसमेंट को चेंजेस वो मैंने अभी आपको बता दिया, स्टडी करें डाटा डिसाइड करें प्लेसमेंट इज वर्किंग वेल या बिडिंग स्ट्रैटेजी इज गुड, जो आपको सूटेबल नजर आती है उसके साथ आप कंटिन्यू करें। ठीक है, मींस के इसमें से एक करूं या प्लेसमेंट पे जाऊं या बिडिंग स्ट्रेटजी डाउन कर दूं? क्यों प्लेसमेंट पे क्यों जाए, सेल्स अच्छी आ रही है अकॉज भी बर्दाश्त है तो वो तो कम हो जाएगा वेंचुअली, फिर ठीक है आप बिडिंग प्लेसमेंट पे परसेंटेज लगा रहने दे, हाँ 200% लगाया हुआ तो 150% कर दें लेकिन बिडिंग स्ट्रैटेजी डाउन भी कर दें, एक चीज ये। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि मुझे प्लेसमेंट से जहां मैंने परसेंटेज लगाई है सेल्स आ रही है लेकिन अकॉज तो 200% और 300% कितना पहुंचा हुआ, तब आप क्या करें प्लेसमेंट को 0% कर दें, बिडिंग स्ट्रेटजी आप अप एंड डाउन रहने दें। ठीक है, मैं इन दोनों को करता हूं। दूसरा जो कंपटीटर्स के मैंने लो स्पॉन्सर्ड एसेंस निकाले उनका सर्च वॉल्यूम कितना हो उन पे मैं स्टार्ट करूं अपनी बिडिंग? कंपटीटर की कितने बिडिंग स्टार्ट करें? नहीं मैंने कंपटीटर्स के जो वो एसेंस स्पॉन्सर्ड एसेंस जो मींस 100 से कम है जिस पे स्पॉन्सर्ड एसेंस जो पीपीसी रन कर रहे हैं 100 से कम है वो मैंने कंपटीटर से निकाल लिए हैं, लेकिन सर्च मुझे उसकी समझ सर्च वॉल्यूम मैं 50 से ऊपर वालों पे बिड रखूं कि ये सर्च वॉल्यूम में कहां मैं बिड करूं इनमें? आप इनको भी कैटेगराइज कर लें ऐसे जिनका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है उसको एक में एक कैंपेन में कर ले, कम वाले को सेपरेट कर ले, फिर आप देखें कि कौन सी आपको आपके लिए कन्वर्जन कौन सी बेहतर दे रही है, फिर आप उस पर काम कीजिएगा, उससे बिड अपने बढ़ाइएगा, दूसरी बना बढ़ाइएगा या दूसरे को मेरे आपको फिर ऑफर करना पड़ेगा। लोअर लिमिट मैंने 50 रखी है सर्च वॉल्यूम की, तो इसको बढ़ा दूं कि ये सही है?
ये बात आपकी समझ नहीं आई है कि आपने योर गाइड मैंने जो वो स्पॉन्सर्ड एसेंस तो मैंने जो सॉर्ट किए हैं वो लेस देन 100 किए हैं और सर्च वॉल्यूम जब मैंने सॉर्ट किया हुआ है वो मैंने मोर देन 50 किया हुआ है तो 50 और 100 वाले की एक कैंपेन बनाऊं 100 और 150 कैसे करके बनाऊं ठीक है बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बनाइए कैटेगराइज देखें कैटेगराइज आपने अपने कन्वीनियंस के लिए करना है प्लस हमने किस लिए करना है कि आपको बताया कि ये आपको मे बी हाई थोड़ी कंपटीशन में ये आपको आ जाए और या इस पे आपको हाई बिड करके स्पॉट मिले जो दूसरी हैं उन पे आपको शायद सेल्स बहुत ना मिले सर्च वॉल्यूम इतना ना हो लेकिन अकाउंट जो वो सेटल रहेगा तो आप इसे उस हिसाब से इसको कैटेगराइज करके सेपरेटली टारगेट करें। एक चीज प्लीज ध्यान में रखिए कि ऐसा नहीं है कि आप जितनी भी कैंपेन्स हम क्रिएट करते हैं वो सारी कैंपेन्स हमारी रैंकिंग के लिए होती हैं। कुछ कैंपेन्स हमारी रैंकिंग में हेल्प कर रही होती हैं, कुछ कैंपेन्स हमारी रेलेवेंसी बनाने में हेल्प कर रही होती हैं, एक कनेक्शन बनाने का कीवर्ड्स के साथ रेलेवेंसी का, कैटेगरी के साथ रेलेवेंसी का, इसलिए हेल्प कर रही होती हैं। कुछ कैंपेन्स ऐसी होती हैं कि जो सेल्स तो शायद बहुत कम दे रही हैं लेकिन उनके केस उनके अगेंस्ट अकॉज इतना अच्छा आता है कि वो ओवरऑल आपका जो ब्लीडिंग प्रोसेस है ना आपका अकाउंट का जो अकॉज है उसको वो स्टेबल कर देती हैं, एवरेज अकॉज आपका बेहतर बना देती हैं। ठीक है तो बस आपने ये देखना है कि आपको एग्रेसिव कहाँ पर जाना है, हर कैंपेन पे हर बैच टाइप पे एग्रेसिव जाने की हमें जरूरत नहीं होती है। और इसका सीपीसी क्या होना चाहिए इस ये लो स्पॉन्सर्ड एसएन वाले का? जो जो आपको बिडवो सजेस्ट कर रहा है आप अभी उसके साथ स्टार्ट कर लें, बिडवो ज्यादा है तो कम से स्टार्ट कर लें। ये बात अभी पहले भी हम सेशन में काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि जरूरी नहीं है जब बिड अमेजोन आपको सजेस्ट कर रहा है वो बिड रखेंगे तो आपको कन्वर्जन होगी। हो सकता है $1 सजेस्ट कर रहे हैं आपको कन्वर्जन 50 सेंट्स पे होने लग जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। $1 आपको सजेस्ट कर रहे हैं आपने 1.50 रखा स्टिल आपको इंप्रेशन नहीं मिल रहे हैं और आपको बिड बढ़ानी पड़ेगी। तो स्टार्ट विद द लो बिड एंड उसके बाद आप इंक्रीज कर सकते हैं जब आपके पास कुछ स्टैट्स डिलीवर हो जाएंगे तो उसको उसको स्टडी करते हैं उसकी बेस पर। ठीक ठीक थैंक यू मैम थैंक यू। ठीक है ठीक यू वेलकम। जी मरियम आपको अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा ये क्वेश्चन है कि जब अभी हमने अपनी लिस्टिंग में ना वीडियो ऐड चलाया तो हमने उसकी बिड जो है ना वो बहुत हाई रख दी, मतलब कि एग्रेसिव पे चले गए हम। ठीक है तो अब ऐसा हो रहा है कि अब हम जब उसका एक कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है तो जब हम उसको लो कर रहे हैं ना तो अब हमारे एड नहीं वो कर रहा फर्स्ट पेज पे, मतलब वो रैंकिंग उसकी इतनी ज्यादा रैंकिंग पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। आपने वीडियो कैंपेन में जो कीवर्ड टारगेट किए कौन से मैच टाइप के साथ किए? हमने टाइप एग्जैक्ट के साथ किए और फ्रेज के साथ। ठीक है कहां पर आपको सेल्स नहीं बनाकर दे रहा बिट चेंज करने से बिट कम करने से? तो एक दो कीवर्ड्स पे उसने दो कीवर्ड्स पे फर्स्ट पेज पे आप हमारा ऐड शो हो रहा है लेकिन बाकी जो कीवर्ड्स हैं उन पे बिल्कुल भी नहीं हो रहा, मतलब कि वो टारगेट किए हैं सारे कीवर्ड्स टारगेट किए हैं लेकिन। अच्छा देखिए ऐसा होता है जो वीडियो कैंपेन है वो ज्यादातर आपके जो सुपर रेलेवेंट बड़े बड़े कीवर्ड होते हैं ना उन पर चलती है जिनका सर्च वॉल्यूम लो होता है, या लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे या मिसस्पेल कीवर्ड पे स्पेनिश कीवर्ड पे मैंने नहीं देखा अभी तक इसको चलते हुए, मतलब आपका ये वर्क करती हो वीडियो पीपीसी में। तो वीडियो पीपीसी में जनरली आपके जो सुपर रेलेवेंट बड़े बड़े 2-3-4 कीवर्ड होते हैं ना उन्हीं पर सेल्स बन रही होती हैं। हाँ अब आप ये कर सकती हैं कि आपको एक कैंपेन है जहाँ पर आपको ये हाई सीपीसी पे सेल्स बनाकर दे रहा है, अब आपको डेफिनेटली उसको ऑप्टिमाइज करना है। तो ऐसे ना करें आप कि अभी आपने 50 सेंट बिड रखी हुई है तो आप 35 सेंट कर लें, 50 सेंट से 48 सेंट पे आए, ठीक है फिर 48 सेंट से आप उसको 47 सेंट पे या 45 सेंट पे लाएं, सेंट बाय सेंट रिड्यूस करें तब ये वर्क करेंगे। सही सही। और मैंने आपसे एक और चीज पूछनी थी कि हमारा एक कॉस्ट का काफी प्रॉब्लम आ रहा है तो अगर आप मतलब कि 111 ग्रुप में अगर आप फ्री हो तो कोई टाइम दे दें ताकि आपसे डिस्कशन हो सके उस बारे में। आप 111 ग्रुप अभी आपका बना हुआ है? जी बना हुआ है। ओके आप मुझे ऐसा करें टैग कर लें अभी उसी ग्रुप में ताकि मैं फिर उसको। ठीक है ओके थैंक यू सो मच। अभी वैसे कैंपेन कौन पीपीसी कौन देख रहा है आपके ग्रुप में? आप देख रही हो? हाँ जी। अच्छा
आप मुझे टैग कर दें ताकि मैं सेशन के बाद मुझे पता चल जाए आपको कौन सा ग्रुप है, फिर हम सेशन जो है वो प्लान कर लेंगे। जी जी जरूर, ठीक है, थैंक यू, नो प्रॉब्लम। हाँ जी अवैस, आपको अनम्यूट किया है। मीनवाइल चैट में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जी वालेकुम सलाम। मैंने ये पूछना था, आपकी आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है, प्लीज थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। जी मैम, मैंने ये पूछना था कि हम अपनी जो ऑर्गेनिक सेल्स है वो हम किस तरह, और सेकंड ये है कि हम आउट ऑफ स्टॉक जाने लगे थे, तो आउट ऑफ स्टॉक जाने से बचने के लिए हमने जो प्राइस है वो थोड़ी सी इंक्रीज की, ठीक है, इससे क्या जो बीएसआर है वो ड्रॉप हो गया, तो 100 प्लस सेल आ रहे हैं पर डे, तो अब वो आ गए 360 पे, तो मैम कैसे करें, बीपीआरओ कराएं या पीपीसी में अग्रेसिव टाइम किस तरह से? अच्छा देखिए, एक चीज तो ये है कि आप कह रहे हैं कि आपकी आउट ऑफ स्टॉक हो रहे थे तो आपने ये सब चीजें प्राइस इंक्रीज कर दी ना, ताकि आप आउट ऑफ स्टॉक ना, आप सेल्स गिर गई हैं, जब सेल्स गिर गई हैं तो वीवीआरओ क्यों करवाएंगे वापस सेल्स पकड़ने के लिए, जबकि आप आउट ऑफ स्टॉक जाना चाह रहे हैं तो भी तो आप ज्यादा सेल्स अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं ना। हाँ वापस जब आप स्टॉक में आ जाएंगे उस वक्त आप बिल्कुल कर सकते हैं। उस वक्त आप क्या करेंगे, एक तो उन कीवर्ड्स पे अग्रेसिव जाएंगे जो पहले आपको सेल्स बनाकर दे रहे थे, जिन पर शायद आपका रैंक भी इफेक्ट हुआ होगा, और जब आप उस पर अग्रेसिव जाएंगे तो फिर डेफिनेटली जब उस सेल्स उस पर बनेंगी तो सेल आप सेल्स मोमेंटम बनने के बाद आपके वो बीएसआर भी इम्प्रूव हो जाएगा, रैंक भी बेहतर हो जाएगा। तो वापस आने के बाद, स्टॉक आने के बाद आपको उन कीवर्ड्स से पर्टिकुलरली एग्रेसिव जाना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आप एग्जिस्टिंग कैंपेन में उन कीवर्ड पे एग्रेसिव चले जाएं, आप सेपरेट कैंपेन बिल्कुल भी टारगेट करके उन पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे जिन पर आपको अब रैंक होना है और जल्दी होना है, जिन पर आप री रैंक हो रहे हैं और इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं, उनके साथ सिर्फ टॉप ऑफ सर्च प्लेसमेंट में प्ले करके देखिए कि मुझे टॉप पे मेरी विजिबिलिटी हो, क्योंकि ऑब्वियसली ऑल लिस्टिंग है तो यू मस्ट हैव द रिव्यूज और आपका एक वो सेल्स मोमेंटम ऑलरेडी जो बना होगा, तो आप उसको जल्दी पिक कर लेंगे अगर आप टॉप पे नजर आ रहे होंगे। तो उन पर्टिकुलर कीवर्ड्स के साथ आप टॉप ऑफ सर्च प्लेसमेंट पे काम करके देखिए, तो ये आपको हेल्प करेगा। अच्छा मैम, और एक चीज और पूछनी थी कि अगर हम एक्सटर्नल ट्रैफिक लाएं, तो लाइक जो पिंटरेस्ट की ट्रैफिक है, अगर हम पिंटरेस्ट पे एड्स लाएं, तो मतलब एज पर योर एक्सपीरियंस ये वहां से कन्वर्जन होती है जो एक्सटर्नल ट्रैफिक होती है पिंटरेस्ट की? जी एक्सटर्नल ट्रैफिक एक्चुअली हेल्प तो करती है, एक्सटर्नल ट्रैफिक आपका इस, और अब हम अब जो हमारे लॉन्च रैंक है ना उसकी स्ट्रैटेजी में हम लोग IMB यूज़ करते हैं और फेसबुक भी, इंस्टा, सब चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। उसकी रीज़न ये ताकि हम अपनी वेबसाइट इवन यूज़ कर रहे हैं, अपना जो हमारा स्टोर होता है उसको यूज़ कर रहे होते हैं, रीज़न उसकी यही होती है कि हम मल्टीपल वेज से ट्रैफिक को ला सकें, मल्टीपल वेज से सेल्स बना सकें, और इससे डेफिनेटली आपके ऑर्गेनिक रैंक पर, आपके BSR पर बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है। थैंक यू। मैम मैंने ये पूछना था कि अभी एक प्रोडक्ट है वो मतलब Amazon US में वो रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में आता है, सही है, लेकिन उसमें सीन इस तरह है कि मतलब 6 या 7 महीने प्रोडक्ट चलता है, लिस्टिंग चलती है, फिर उसके बाद वो कर देते हैं, मतलब वो SN को सस्पेंड कर देते हैं। तो इसी तरह हुआ था, मेरे क्लाइंट मेरे पास आया, उसका ये एसेंस सस्पेंड हुआ था, तो वो खैर वो तो ओरिएंटेड नहीं हो पाया, लेकिन मैंने फिर उसकी लिस्टिंग दोबारा मतलब नया UPC यूज करके लिस्टिंग कर दी थी, और उसके मतलब यूनिट्स थे कोई 210 यूनिट थे, वो हमने मतलब वो निकाल दिए।
लेकिन अभी मैंने उसमें ये देखा है, क्योंकि आप बता रही होती हैं कि जब तक आपके कीवर्ड इंडेक्स नहीं होते लिस्टिंग में, मतलब फ्रंट एंड या बैक एंड में, तो मतलब पीपीसी उस पर नहीं चलता। लेकिन मैं उधर देख रहा हूँ जो टॉप कंपटीटर्स है, जो मतलब 80,000 70,000 रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उन्होंने अपने लिस्टिंग में मतलब फ्रंट एंड और बैक एंड में, बैक एंड का तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन फ्रंट एंड में उन्होंने मतलब जो मेन कीवर्ड्स है ना, मेन कीवर्ड वो एक भी नहीं इंडेक्स किया, ताकि मतलब उनको वो वार्निंग ना मिल सके या अमेज़न की तरफ से उनको वो सस्पेंशन का वो ईमेल वगैरह ना आ सके। तो उन्होंने एक भी कीवर्ड इंडेक्स नहीं किया, और हम जब वो मतलब मेन कीवर्ड टाइप करते हैं तो उनकी लिस्टिंग सामने आती है। तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने तो मेन कीवर्ड इंडेक्स ही नहीं किया, तो उनके क्यों आ रहे हैं फिर यहाँ पे, मतलब वो पीपीसी चला रहे हैं ऑब्वियसली। कि आप उस कीवर्ड को अपने बैकएंड सर्च टर्म्स में ऐड कर लें, ठीक है, उससे क्या होगा, टाइटल के बाद जो आपका इम्पोर्टेंस होती है ना, वो होती है आपके सर्च टर्म्स की, तो आप अपने सर्च टर्म्स में कीवर्ड डाल। एक और चीज ये है, वैसे आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि ऐसा नहीं है कि जो चीज वो कर रहे, जो चीज हमारे दूसरे बड़े एस्टैब्लिश सेलर बैठे हुए हैं और उन्होंने वैसा नहीं किया और हम भी वैसा ना करें तो चलेगा। देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले अमेजोन की तरफ से इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन भी नहीं थी, तब जो चीजें अमेजोन ने जब जिसको जैसे अलाउ कर दी, वो जिसके साथ बैठ गया, सेट हो गया, रैंक हो गया, अब उसको अमेजोन, उसको अमेजोन से कोई खतरा नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो सेट हो चुका है, उसकी वो डोमिनेंट है, वो कुछ भी चाहे वो यूज करे तो गाइडलाइंस फॉलो करे, ना करे ना करे, उस पर उस तरह से पैनलाइज नहीं करेगा अमेजोन को जैसा कि वो न्यू सेलर्स को कर रहा है अभी। तो आप अब वो वर्ड यूज नहीं कर सकते ऑब्वियसली फ्रंट एंड पे, तो आप उसको बैक एंड सिस्टम में अपनी ऐड कर लें और प्लस उस पर पीपीसी भी चलाएं, तो वो आपको हेल्प करेंगे रैंकिंग में। ठीक ठीक ठीक, सही है मैम, थैंक यू। बस अच्छा एक और क्वेश्चन, ये अभी आपने बोला है कि हम जो अपना वेबसाइट होते हैं, जो ब्रांड का वेबसाइट होते हैं, उसको भी यूज करके मतलब एक्सटर्नल ट्रैफिक जो है वो हम लाते हैं अमेज़न के उस पे लिस्टिंग पे, तो चले छोड़े ये, तो अभी आपसे मैं क्या पूछूंगा, ये खैर मैं खुद सर्च कर लूंगा कि मतलब किस तरह लाते हैं ये। हाँ लाते किस तरह, उसमें ये होता है कि आपने वहां पर बाय नाउ का जो होता है ना, कि आप बाय करना, तो नीचे आप अपना लिंक दे सकते हैं, जो जब वो ऐड टू कार्ट करे तो वो अमेजोन पे लैंड कर ले, ये पॉसिबिलिटी भी है, ठीक है, कि आप बाय मतलब एक आप अपने लिस्टिंग करके आ गया बाय का, नीचे आपने अपना अमेजोन का लिंक भी दे दिया कि वो उससे भी ऐड टू कार्ट कर सकता है। ठीक ठीक ठीक, सही हो गया, थैंक यू मैम, जज़ाकअल्लाह। आप इवन आप गूगल करें आपको ये भी मिल जाएगा कि टारगेटेड कॉस्ट के लिए मेरा क्या फार्मूला होना चाहिए कि मेरा इससे मैं मतलब मैं यही अचीव कर सकूं, मेरी मैक्सिमम बिड का फार्मूला क्या होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगे, सब फार्मूलाज मिलेंगे। अब एप्लीकेबल है या नहीं ये देखिए वेरी कर रहा होता है, क्यों, अब आपने फॉर्म वो तो कर लिया ना कि आप ये मेरी मैक्सिमम बिड होनी चाहिए, तो क्यों होनी चाहिए, क्योंकि अगर मेरी ये बिड होगी तो मेरा कॉस्ट कभी भी 20% से ऊपर नहीं जाएगा, तो यहाँ पर आपका डेफिनेटली इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से आपका कॉस्ट 20% से ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन शायद आप रैंक भी नहीं हो सकेंगे और शायद आप सेल्स भी नहीं बना पाएंगे, और एग्रेसिव जाना तो आप भूल ही जाइए, सही है। तो ये जो फॉर्मूले ये हम अप्लाई कर सकते हैं, पुराने अकाउंट हैं, पुरानी लिस्टिंग है, और अब आप कहें कि ठीक है मुझे अब ये मेरा मैं ब्लीड कर चुका, मैं रैंक हो चुका हूँ और अब मैं ब्रेक इवन मेरा हो गया, अब मुझे टारगेटेड अकॉर्ड अचीव करना है, उस वक्त आप ये फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि तब आप तब आपको आपकी वैल्यू है आपके लिस्टिंग की भी, आप मैच्योर है आपके लिस्टिंग, आपके पास रिव्यूज भी हैं और आप मार्केट में कहीं स्टैंड करते हैं, आप रैंक हो चुके हैं, तो आप काम करें अपने टारगेटेड कॉस्ट पे को अचीव करने के लिए उन फार्मूलाज पे। लेकिन अगर हम फ्रॉम द बिगिनिंग उन फार्मूलाज पे काम करेंगे तो फिर शायद रैंक होना में आपको काफी टाइम लग जाएगा और सेल्स बनाने में भी। थैंक यू मैम, थैंक यू, ठीक है।
जी साउद, आपको मैंने अनम्यूट किया है। अस्सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, मेरा ना एक क्वेश्चन था री रैंकिंग से रिलेटेड। मेरा मेरा एक क्लाइंट है, यूके से बिलोंग करता है वो। उसकी जो उसने लाइक वो सेल कर रहा था यूके में, लेकिन उसकी लिस्टिंग्स जो है फॉर सम रीजन वो सस्पेंड हो गई। अभी रिसेंटली 2 महीने बाद ना वो अभी रीइंस्टेट हुआ है। तो अब मुझे ये आपसे पता करना है कि सही इसकी री रैंकिंग स्ट्रेटजी क्या होगी, कि मुझे किस तरह से इसको लेके चलना चाहिए, कि इसको किस तरह से हम री रैंक कर सकते हैं एसेंस को, क्योंकि उसकी कोई 3500 यूनिट्स है, वो सब स्टैंडर्ड है। तो इसके बारे में जरा काइंडली गाइड कर दें। देखिए, एक तो आपको उसकी रेटिंग पे देखना होगा, उसकी रेटिंग क्या, रेटिंग पे भी काम करना होगा। मैं आपको वैसे जो मेन मेन पॉइंट्स है वो बता देती हूँ, अदरवाइज उसकी जो प्रॉपर रैंकिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो आप 111 का जब आप सेशन होगा लॉन्च रैंक पे तो आप वहाँ पर पूछेंगे, तो वो बेहतर गाइड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको मेन मेन चीजें बता देती हूँ जहाँ पर आपको रेटिंग पे काम करना पड़ेगा। वापस आए हैं तो आपको ये देखना होगा कि क्या आप कुछ ऐसे कीवर्ड्स तो नहीं है जो अब नए आ चुके हों इन 2 माह के दौरान जो पहले नहीं थे, उसके अकॉर्डिंगली अगर तो नए कीवर्ड आ गए हैं तो आपको अपना टाइटल कंटेंट में भी रीवैम्प करना पड़े। लेकिन अगर आप लगते हैं कि मार्केट अभी भी बिल्कुल वैसी है जैसे पहले आप छोड़ कर गए थे, तो अब आपको उस तरह से काम करने की जरूरत नहीं है। इमेजेस पे काम करने हो सकता है इन 2 माह में ऐसे कुछ सेलर आ गए हों जो बहुत जबरदस्त ईबीसी इमेजेस के साथ आए हों और वही अब आपका कंपटीशन बन गए हो बड़ा टॉप, और अब आपको अपने उसके हवाले से लिस्टिंग क्वालिटी पे काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज तो होती है कि क्या आप कीवर्ड आपके अपडेटेड है, आपका कंटेंट अपडेटेड है, इमेजेस क्वालिटी की है, ये चीज। उसके बाद अब देखिए कि आपके बैकएंड सिस्टम ऑप्टिमाइज, ये सारी चीजें आ गई है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से। अब ये सब मैं डन है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, बट मैंने इसको ना लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन से ही लेके चल रहा हूँ मैं इसको, कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे लाइक 10-12 प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि उसकी मैं एक बार सारी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन से लेके चल रहा हूँ इसको, ताकि हमें पता लगे कि हम कहाँ कहाँ पे हमने 2 महीने के अंदर जहाँ जहाँ से हमने लूज किया उस पास हम उसको गेन कर सके। सही, बिल्कुल ठीक है वही बात कि अगर अभी आपकी सब वो डन हो गई है, अब आपने काम करना है अपनी रैंकिंग करना, तो वहां पर अब आपने एक तो पीपीसी पे काम करेंगे। पीपीसी में आप क्या करें, अपनी कैटेगरी को टारगेट करें, अगर आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री तो स्पॉन्सर डिस्प्ले की आप कैंपेन क्रिएट करें, प्लस अपने जो मिक्सअप कीवर्ड्स हैं उनके अगेंस्ट फ्रेश टाइप एग्जैक्ट टाइप चलाएं, फ्रेश से स्टार्ट करें। उसके बाद आप हाई कन्वर्टिंग कीवर्ड के अगेंस्ट एग्जैक्ट पे जा सकते हैं, या जिन कीवर्ड्स की रैंकिंग का पर्टिकुलर काम करना है पहले फ्रेश में, अगर तो बहुत कम्पिटिटिव है वो तब तो आप डायरेक्ट उनको फ्रेश से स्टार्ट करते हुए एग्जैक्ट में ले जा सकते हैं। लेकिन अगर इतना कॉम्बिनेशन नहीं तो आप डायरेक्ट उनको एग्जैक्ट में भी टारगेट कर सकते हैं और फ्रेज में भी कर सकते हैं। ये सब चीजें तो पीपीसी के हवाले से। बाकी ऑर्गेनिक रैंकिंग के लिए, ऑर्गेनिक सेल्स बनाने के लिए और लॉन्च स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, वो आप फिर लॉन्च रैंक के सेक्शन में आप डिस्कस कर लीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। जी मुझे मैंने कल वो पोस्ट दिया था कि मैं जो प्लेसमेंट में जो है मैंने रद्द बदल की थी, तो उस वजह से वो सेल्स ख़राब हो गई थी, एक और भी ख़राब हो गई थी, फिर आपने उसका आंसर दे दिया, वो तो मैंने अभी सेट कर दिया, तो एक वीक तक मैं इसका इंतज़ार करूँगा। और मैम मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैंने जो है ये एक लूज में चलाया एक, अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये कि मेरे जो सारे जितने सेल्स आ रहे हैं ना वो एसेंस से आ रहे हैं, और मैंने जब मैंने कल लिस्ट डाउनलोड किया मतलब रिपोर्ट डाउनलोड की, तो उसमें जो है मेरे 4 मेन कीवर्ड्स है, उनमें 2 अच्छे परफॉर्म कर रहे, 2 अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन ज्यादातर जो परफॉर्म कर रहे वो एसेंस है, बहुत सारे एसेंस है, तो क्या मैं इनको मतलब एसेंस को टारगेट करूँ फिर एग्जैक्ट में करूँ या फ्रेज में करूँ या ब्रॉड में करूँ मैम? एसेंट टारगेटिंग तो वो एक ही मैच टाइप होती है, उसमें फ्रेज ब्रॉड होती है, वो एग्जैक्टली टारगेट हो रही होती है आपको एज इट इज, वो एसेंट टारगेट करनी होती है, उसमें कोई मैच टाइप। अच्छा जी, और ये कीवर्ड जो है वो मेन कीवर्ड है, तो मैं तो उसको नेगेटिव में नहीं डाल सकता, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है मेरी क्लाइंट की और बड़े मतलब ऑलवेज जैसे बड़े ब्रांड उसमें बैठे हुए, तो उसको भी बस उस तरह रहने दूं? नहीं नहीं, वो आप ये देख लें कि आप उसको नेगेटिव नहीं कर सकते, लेकिन क्या वो आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट दे रहा है, स्पेंड दे रहा है वो कीवर्ड बहुत ज्यादा? हाँ जी, और सेल्स उस तरह नहीं आ रही जिस तरह और कीवर्ड्स या और एसेंस पे आ रही है।
ठीक है, तो आप एक काम करें, वो कीवर्ड आपको हर कैंपेन में हाई कॉस्ट दे रही है, कोई पर्टिकुलर कैंपेन है? मैंने दो ऑटो कैंपेन चलाई थी जिस तरह आपने कहा था ना, तो आपकी वीडियो उसमें जो है वो लूज मैच जो है उसमें वो अच्छा काम कर रहा है ये, और जो क्लोज मैच है ना वो बेहतर काम उस तरह नहीं कर रहा, तो इन दोनों की रिपोर्ट मैंने डाउनलोड की। आप फिर ऑटो कैंपेन में क्लोज वाले में उस कीवर्ड को नेगेटिव एग्जैक्ट के साथ ऐड कर लें, ठीक है, नेगेटिव टारगेटिंग कर लें लेकिन एग्जैक्ट मैच टाइप के साथ, ताकि बाकी फ्रेजेस ब्लॉक ना हो, लेकिन क्योंकि वो आपका मेन कीवर्ड है तो उसके अगेंस्ट आप एक मैनुअल कैंपेन भी क्रिएट कर लें जिसमें आपने उसको टारगेट करना है। अब वहां पर उसको फ्रेज से करते हैं या एग्जैक्ट से करते हैं, आप करके देखिए जो तीनों कैंपेन में ना, ब्रॉड से भी कर लें, एग्जैक्ट से भी कर लें, फ्रेज से भी कर लें, और फिर उसको ऑप्टिमाइज करते रहें, लेकिन उसको टारगेट करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप उसको फिर मतलब वो आपका बड़ा कीवर्ड है, मेन कीवर्ड है, और आप उसको छोड़ दें। हाँ, आप ये काम कर सकते हैं कि उसको उसके अगेंस्ट आप बिड अपनी लो कर लें, बिड बहुत ज्यादा हाई ना रखें, लेकिन आप उसको सेपरेटली फिर एक कैंपेन में टारगेट करें, क्लोज में आप उसको नेगेटिव एग्जेक्ट कर दें। अच्छा मैम, और ये मैनुअल में जो है जब मैं एसेंस को टारगेट करूंगा तो सारे एसेंस को एक ही मतलब कैंपेन में डालूं, या उस तरह जिस तरह हम कीवर्ड को चार चार पांच पांच मेन कीवर्ड को वो करते हैं जिस तरह आपने बताया, पांच पांच करके आप डिवाइड कर दें उनको, 5-5 करके डिवाइड कर दूं? बिल्कुल 5-5 करके, अगर टोटल है 6 या 7 डाल लें एक ही कैंपेन में, अगर ज्यादा है फिर आप उसको डिवाइड कर लें। ज्यादा है मैम क्योंकि मेरे सारे सेल्स उसी से आ रहे हैं। अच्छा प्लीज आप उनको डिवाइड कर लें, लेकिन ये चीज ध्यान में रखिएगा कि ऑटो कैंपेन में उनको नेगेटिव टारगेटिंग प्लीज ना कीजिएगा। हमें नहीं पता वो ऑटो कैंपेन में कौन सी स्पोर्ट से कहाँ से सेल्स बना रही है, अगर मैनुअल में वो काम ना की तो एटलीस्ट फिर वो ऑटो में तो चल रही है ना, मैनुअल से आप ऑफ कर देंगे, ऐसा ना हो कि आप मैनुअल में डालने के बाद ऑटो में भी नेगेटिव कर दें, मैनुअल में भी वो ना चलें और आप सेल्स अपनी ड्रॉप करके बैठ जाए। ठीक है, नेगेटिव टारगेटिंग ना कीजिएगा उसको ऑटो में से, ऑटो में ना करूँ, अगर मैन मतलब नेगेटिव में कोई करना हो तो मैनुअल में करूँ, ऑटो में ना करूँ? नहीं, मैनुअल में आपने वो एशियंस निकाल दी जिन पे सेल्स आ रही थी, ऑटो कैंपेन पर मैनुअल टारगेटिंग कर दी उन पर, अब जब वो मैनुअल में इसकी सेल्स बनाना शुरू हो जाए और ऑटो कैंपेन में उन्हीं एशियंस के अगेंस्ट अकाउंट बनने लग जाए तब आप उसको नेगेटिव एग्जैक्ट कीजिएगा, नेगेटिव टारगेटिंग सॉरी कीजिएगा ऑटो कैंपेन में। अगर वो मैनुअल में सेल्स बना के दे रही है और ऑटो में भी बना कर दे रही है, दोनों जगह बना कर दे रही है, तो दोनों जगह ऑन रहने दें। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि किसी कीवर्ड को ऑटो से उठा के मैनुअल में डाला जाए तो ऑटो में उसको नेगेटिव डालना ही डालना। अच्छा मैम, लास्ट क्वेश्चन ये कि हम जो है बूटकैंप एफएफएल के स्टूडेंट है, तो हम जो है वो ग्रुप में मतलब हम कोई ऐसा ग्रुप बना सकते हैं जिसमें आपको टैग कर सके या आपसे वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सके कि आप मतलब उसके मुतालिक राय हमें दे सके? आप ऐसा ग्रुप बना लें जिसमें आप सारे एफएफएल के स्टूडेंट्स देखें, आप लोगों के लिए तो ये सेशन हो रहे होते हैं ऑन ऑफ, इसके अलावा आप फेसबुक पर मुझे टैग करके क्वेरीज पूछ सकते हैं, और अगर पॉसिबल है तो आप इंक्यूबेटर का चक्कर लगा सकते हैं। सो यहाँ मतलब पिशावर में भी इंक्यूबेटर भी नहीं ओपन हुआ, और आप गालिबन कराची या इलाज टैग करके मुझसे पूछ लें। अभी भी आपने जब मुझसे बात की है कि आपने ये क्वेरी की थी तो मैंने आपको रिप्लाई किया, फेसबुक पर आप टैग करके पूछ लें, मैं आपको वहाँ रिस्पॉन्स दे दूंगी। अदरवाइज आप मुझे सेशन तो हमारे होते हैं, हर ऑल्टरनेट मंडे को हमारा सेशन होता है, तो आप वहाँ पे बात कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके मैम, अगर पॉसिबल है तो ये ग्रुप बना लें, लेकिन ग्रुप में ऐसा है कि उस तरह से ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत डिटेल में या सेशन हम कर सकें या इस तरह, लेकिन ऑब्वियसली अगर आपके जनरल कोई क्वेरीज कुछ हो तो मैं आपको वहाँ गाइड कर दिया करूँगी, उसमें कोई मसला नहीं, आप बना लें ग्रुप। ओके जी, जज़ाकल्लाह, बहुत आपको जज़ाकल्लाह। मैम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैम मेरे क्लाइंट हैं यूएसए से मैम, तो उनकी ना सर्च टर्म के लिए उन्होंने मुझे हायर किया था, तो मैंने उनकी सर्च टर्म ऐड की है उनमें, लेकिन अमेज़न उसे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा वो रिजल्ट ना। मैं ये 2-3 दफा कर चुका हूँ। क्या आपने की है, क्या अपडेट की है सर्च टर्म्स? जी मैम, अमेज़न रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, मैं समझी नहीं हूँ, अमेज़न क्या रिजल्ट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा मैम? जो मैंने 249 जो बिट्स देता है ना हमें सर्च टर्म के लिए मैम, उनकी कुछ फिल है और कुछ स्पेस रहती है, तो मैंने वो ऐड की है सर्च टर्म न्यू थ्रू, मैंने निकाली है हीलियम से भी निकाली है और कुछ ब्रांड एनालिटिक्स की रिपोर्ट से भी निकाली है, ठीक है मैम, तो मैंने ऐड करने की कोशिश की है, लेकिन ऐड तो हो जाती है, वो सक्सेसफुल भी कर देता है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं करता रिजल्ट मैम, वो
Amazon. आप बात सर्च टर्म से आपका मतलब है कि आपने पीपीसी चलाई हुई है उन कीवर्ड्स पे? नहीं नहीं मैं बैक एंड पे सर्च टर्म ऐड कर रहा हूँ. तो वो Amazon कहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा? मैम जो एडिशन होती है ना मैम, जहाँ पे वो 249 बिट्स शो कर रहा होता है कि ये रिफ्लेक्ट हो गई है, जी. मैम वहाँ नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा, वो पिंक और ब्लू कलर के जो हमें कलर दे रहा होता है मैम, वो नहीं कर रहा. ओके 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 ओके. अच्छा अच्छा, आपने क्या किया है, आपने वो सिस्टम डाल दी है अपने बैकएंड पे, लेकिन जो सिस्टम ऑप्टिमाइजर जाके आप चेक कर रहे हैं तो वहां पर नजर नहीं आ रही है. जी मैम. आपको कितनी देर हुई है वो कब? 48 आवर्स लेट आया उसको शो करने में, सम टाइम 3-4 दिन सिस्टम ऑप्टिमाइजर पे लेट शो होते हैं कीवर्ड्स. मैंने उसे पूरा वीकेंड दिया है लेकिन नहीं हुई मैम वो. मैंने पोस्ट भी की थी एक ईसीबीसी ग्रुप में. जी जी. नहीं नहीं देखिए ऐसा ग्रुप में मैं आपको मैंने टाइप भी वो ऐसा होगा, आप उसको चेक करें. सिस्टम ऑप्टिमाइजर जो है वहां पर जब आप बैकएंड पे चेंजेस करते हैं ना सिस्टम्स पे, तो वो 3-4 दिन लेता है वहां पर शो करने पे. 3-4 दिन में वहां पर डेफिनेटली वो शो कर देगा. अगर वो स्टिल वहां पर शो नहीं करेगा तो फिर आप एक काम करें, कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट अमेजोन से ओपन केस ओपन करें कि कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट आपको दे दें. रिपोर्ट्स में जाके आपको वो रिपोर्ट मिलेगी. जब आप उसको डाउनलोड करेंगे तो वहां पर सिस्टम्स फील्ड आ रही होगी, वहां पर देखें क्या वही सिस्टम्स आ रही हैं जो आपने अपडेट की थी. अगर वही आ रही है तो इसका मतलब वो बैकएंड पे आपकी अपडेट हो चुकी है. ठीक है मैम, ये मैंने रिपोर्ट्स में से जाके निकालनी है ये वाली रिपोर्ट. जी जी, ऐसी रिपोर्ट में नहीं मिलेगी, आप अमेज़न के साथ केस ओपन करेंगे फिर मिलेगी. ठीक है मैम, ये केस कौन सी कैटेगरी में जाके मैंने ओपन करना है मैम? आप सिंपल कर लें उसमें, अदर इश्यूज में जाके कर लें, अपनी एसिन देंगे और आप कहेंगे कि प्लीज एनेबल द कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट, तो वो आपको फौरन से मैसेज आएगा कि ओके आप ले लें रिपोर्ट जाके. रिपोर्ट्स में से 7 डेज के लिए वहां पर अवेलेबल रहेगी, आप उसे डाउनलोड करें. वहां पर जो डाटा नजर आएगा ना उस रिपोर्ट में, वो डाटा होगा जिसके जो अमेजोन के एंड पे नजर आ रहा है. तो वहां पे सिस्टम्स अगर वही नजर आ रही है जो आपने अपडेट की है, तो फिर इसका मतलब ऑल गुड. ठीक हो गया मैम, ठीक हो गया मैम. वालेकुम सलाम. आपकी आवाज बहुत कट रही है और बहुत स्लो आ रही है, समझ में नहीं आ रहा मुझे. सॉरी तो भाई मैं भी 2 दिन में अवेलेबल होगा बीबीसी पे, 2 डेज में अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह. जुनैद प्लीज थोड़ा सा अगर ऊंचा बोलिए क्योंकि मुझे आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही. आप आ रही है आपको आवाज? जी जी आ रही है, बताएं. अच्छा मैम, मेरा बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि बीबीसी में मैं आपके लेक्चर्स भी देख रहा हूँ और लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि सर्च टर्म बेसिकली है क्या, क्योंकि अभी तक मेरा कोई सर्च सेंटर में भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है. तो सर्च टर्म क्या है, उसमें क्या हम इनपुट डालते हैं? हम कीवर्ड्स को भी बोलते हैं कि ये सर्च टर्म्स हैं, कीवर्ड्स को भी सर्च टर्म्स बोलते हैं. जो जनरली यहाँ पर अभी आप डिस्कशन सुन रहे होंगे वो सर्च टर्म्स होती हैं. बैकएंड पे जब आप लिस्टिंग को एडिट करते हैं तो बैकएंड पे आपको एक फील्ड मिल रही होती है सर्च टर्म्स की, वहां पर हमने वो कीवर्ड्स डालने होते हैं. तो वो कीवर्ड्स डालने होते हैं जो आपके जो भी आपने हीलियम से निकाले कुछ तो आप कंटेंट में डाल देते हैं, बाकी जो बच जाते हैं उनको हम सर्च टर्म्स में डाल देते हैं. तो जो अभी हम बात कर रहे थे वो बैकएंड सर्च टर्म्स की हो रही थी. तो अदरवाइज कैंपेन जब पीपीसी हम चलाते हैं तो जिन कीवर्ड्स को सर्च करके बायर हमारे लिस्टिंग तक पहुंचता है उनको भी सर्च टर्म्स बोलते हैं. जब पीपीसी की रिपोर्ट हम डाउनलोड करते हैं वहां पर सर्च टर्म्स का कॉलम एक आ रहा होता है, तो ये होती हैं सर्च टर्म्स. मैम आपकी बीच में आवाज ड्रॉप हो गई थी, मैं सुन नहीं पाया लास्ट. आप जब पीपीसी की रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं ना तो कस्टमर जो सर्च जो कीवर्ड टाइप करके हमारी लिस्टिंग पर लैंड करता है उन कीवर्ड्स को सर्च टर्म्स बोलते हैं. आप जब रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे आपको सर्च टर्म्स के कॉलम वहां पर मिलेगा, उसे सर्च टर्म्स बोलते हैं. ये सेलर सेंट्रल में होती है या अपनी एक्सेल शीट में उसको सेव करते हैं? सेलर सेंट्रल से आपको मिलती है और फिर आप उसको एक्सेल फाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं. ओके थैंक यू. ठीक है जी, वेलकम. जी
वगैरह आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ, सॉरी आपने हैंड रेज कर दिया, आई गेस या मुझसे मिस्टेक नहीं हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ज़्यादा कंपेटिटिव मार्केट्स होती हैं तो बाय टाइम आपको पता है कि उनके सीपीसी उनका बढ़ता चला जाता है क्वार्टरली बेसिस पे, कुछ ऐसी कैंपेन्स होती हैं जिसमें हेलो जी जी क्या क्या पूछ रहे हैं आप? पूछ रहा हूँ कि कुछ ऐसी मतलब नीश होती हैं जिसमें हर आए दिन ना कंपेटिटर्स नए आए चले जाते होते हैं, तो सीपीसी जो होता है ना वो कीवर्ड्स का बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो जो लेट्स से मेरे पास अब दो वेरिएशन थे जिसकी एक वेरिएशन $8 की और एक वेरिएशन बेच रहा हूँ $12 की $13 की, ठीक है। तो जो बेट लेट्स से मुझे पहले $0.6 की पड़ रही है, $0.8 की पड़ती थी, अब मुझे वो $1.5 इतनी पड़ रही है। तो अब ऐसा है कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं क्योंकि जो सेल वेलोसिटी मेरी है वो तो लेट्स मेरी $8 वाली प्रोडक्ट पे है मेरी, उस पर मैं मुझे रैंकिंग मिली है सारी मुझे ना, मुझे उस पर रैंक मिले हूँ, लेकिन अब मैं शिफ्ट करना चाह रहा हूँ सेकंड वेरिएशन पे जिसकी लेट्स प्राइस $13 की है, ताकि जो मेरी वो सीपीसी बेट है वो एडजस्टमेंट हो मेरे प्रॉफिट के साथ और मेरा कॉस्ट मेरा मेंटेन रहे और मेरा प्रॉफिट मेंटेन रहे, मेरी रैंकिंग मेंटेन रहे। तो क्या ये इसको शिफ्टिंग किस तरह की जाए ताकि वेलोसिटी बरकरार रहे और रैंकिंग बरकरार रहे न्यू वेरिएशंस के ऊपर सेकंड थर्ड वेरिएशन आपकी होती है। आप एक काम जो आपके न्यू एसक्यू है ना न्यू वेरिएशन है उससे अगेंस्ट आप सेपरेट कैंपेन क्रिएट कर लें। अगर तो उस वेरिएशन के हिसाब से आपके पास कीवर्ड भी नए आ रहे हैं, बहुत ज्यादा कीवर्ड तो नहीं आएंगे ऑब्वियसली प्रोडक्ट हमारी सेम होती है, लेकिन चंद एक कीवर्ड ऐसे हैं जो उस वेरिएशन के अकॉर्डिंगली नए हैं डिफरेंट हैं, तब तो आप उन कीवर्ड्स के साथ उसको फ्रेज एग्जैक्ट और ब्रॉड से आप उसको चला सकते हैं नई वेरिएशन को प्लस। अगर लेकिन अगर सारे वही कीवर्ड है, कोई एक कीवर्ड भी ऐसा नहीं है जो वेरिएशन के लिए डिफरेंट हो, तो फिर आप क्या करें जो आपकी नई वेरिएशन है उसके अगेंस्ट आप एक ऑटो कैंपेन चला दें या लॉन्ग एक तो ऑटो चला दें प्लस आप अपने जो चंद कीवर्ड्स हैं आप ये कह लें कि जो सबसे बड़ा कीवर्ड है जो बहुत ज्यादा बिट दे रहा है उसको आप छोड़ के जो लॉन्ग टर्म थोड़े से कीवर्ड हैं उनको टारगेट कर लें उस नई वेरिएशन के लिए, ठीक है। इस तरह से क्या होगा आप स्टार्ट लें लॉन्ग टेल कीवर्ड से और फिर ग्रेजुअली बड़े कीवर्ड के लिए आए। ये मैं नई एसक्यू के लिए बात कर रही हूँ, जो पुरानी एसक्यू है जिस पर आपका सीपीसी बढ़ता जा रहा है उसको आपको फिर ऑप्टिमाइज करने की जरूरत पड़ेगी। सीपीसी क्यों बढ़ रहा है आप ले आए हैं वेरिएशन भी ले आए हैं, हो सकता है मार्केट में भी आप कह रहे हैं कि नए सेलर्स आते जा रहे हैं तो ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में जो नए सेलर्स आ रहे हैं वो डिफरेंट वेरिएशन के साथ आ रहे हैं, तो बायर आपकी लिस्टिंग पे क्लिक तो कर रहा है पर वो आपसे बाय नहीं कर रहा ना क्योंकि उसको और ऑप्शन बहुत सारे मिल रहे हैं। अगर ऐसा सिनेरियो है तो आप उन कीवर्ड्स को आप अपने अभी के लिए बंद कर दें जो अभी आपको बहुत ज्यादा स्पेंड दे रही है और सेल्स नहीं दे रहे हैं, और साथ सिर्फ देख पीपीसी जो है ना वो सब कुछ नहीं कर सकती है। देखें आप ये चीज समझें कि पीपीसी का काम है एडवर्टाइजिंग करना, आपके प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना और क्लाइंट को दिखाना, अब कस्टमर देख कर बाय नहीं कर रहा तो यहाँ पर और बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं ना, मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है, मार्केट में वेरिएशन आ रही है, प्लस प्राइस फैक्टर होते हैं, बहुत सारे मतलब वो फैक्टर्स होते हैं जो आउटर वर्ल्ड से मतलब पीपीसी से बाहर चीजें अफेक्ट कर रही होती हैं। तो अब आपके सिनेरियो में जब कंपटीशन बढ़ता जा रहा है सीपीसी बढ़ती जा रही है, तो आई विल सजेस्ट कि आप उन कीवर्ड्स पे काम करें जो आपको अच्छी सेल्स दे रही है बेटर कॉस्ट के साथ, बहुत सुपर एग्रेसिव जाने की जरूरत नहीं है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि आप चाह रहे हैं $13 वाली पे आप काम करें तो उस पे आपको बड़ा स्मार्टली करना होगा, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी कैंपेन्स उस एसक्यू के लिए टारगेट कर दें, क्योंकि देखिए होगा क्या जो आपकी लिस्टिंग ऑलरेडी रैंक हो चुकी हुई है ये तो बात है कि वो लो बिट पे भी नजर आएगी, नई वाली एसिन पर शायद आपको थोड़ी सी बिट ज्यादा लगानी पड़ेगी, लेकिन जब वो पुरानी वाली लिस्टिंग आपकी नजर आ रही है और बायर उसको क्लिक करेगा तो लैंड करने के बाद उसको तो दूसरा ऑप्शन भी नजर आना, वेरिएशन दूसरी भी नजर आ रही है, तो इसीलिए दूसरी वेरिएशन पे आप पहली वेरिएशन को सिर्फ ऑप्टिमाइज करते रहे और दूसरी वेरिएशन के अगेंस्ट आप एक ऑटो कैंपेन क्रिएट कर लें और फॉर सम कीवर्ड्स फ्रेज मैच टाइप क्रिएट कर लें, ठीक है। तो इस तरह से आप
और फोकस आप टॉप ऑफ सर्च प्लेसमेंट पे करने के, मैं भी टॉप पर नजर आऊँ सेकंड वेरिएशन के लिए भी, तो इस तरह करके देखें। लेकिन मैं सजेस्ट ये करूंगी कि आप बहुत अग्रेसिव ना जाएं यहाँ पे, क्योंकि शायद बहुत अग्रेसिव जाने से आप स्पेंड तो बहुत ले लेंगे पर शायद कन्वर्जन उस तरह से ना हो सकी हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी काउंट हो रहे हैं। सर मैंने इस लिस्टिंग को ना, मेरा जो यूएसपी आ रहा था वो 92% मैं ले गया था इसको यूएसपी को मैं, और मेरी सेल्स 90% ऑर्गेनिक थी, 10% पीपीसी मेरी थी। हमारी सेल 5000 यूनिट्स हमारी सेल है मंथली हमारी ऑलमोस्ट। तो इशू ये बना था कि क्लाइंट ने ना वो रिसेंटली, मैंने पहले भी इशू बनाया था कि ये महीना पहले उसने ना 8-10 मार्च को पेरेंट डिलीट किया लिस्टिंग राजेश के कहने पे, तो वो हमने वेरिएशन थीम चेंज करनी थी, हमने साथ कलर ऐड करने थे, तो उस वजह से ना वो मेरे ख्याल से तब से अमेजोन एल्गोरिथम ट्रिगर हुआ है, तो वो सीपीसी जो लो पड़ रही थी हमें हाई पड़ने लगी है बाद में अभी। तो ये मेन इशू काज बना है कि जब इस तरह की चीजों को चढ़ा जाए तो फिर ये इशू तो बनते हैं। मैंने एक और क्वेश्चन पूछना था कि जो बैकएंड सर्च टर्म्स होती हैं उनकी ऑप्टिमाइजेशन क्वार्टरली बेसिस पे हम किस कितनी परसेंटेज में कर, लेट्स मेरे मैंने जो पहले सर्च टर्म डाली थी 249 कैरेक्टर्स की, तो हाउ मच अमाउंट शुड आई ऐड, लेट्स से मैं क्या, तो मैं ये ऑप्टिमाइजर सर्च टर्म ऑप्टिमाइजर रन करके देखें जो वैल्यूज आपकी पिंक हो चुकी हुई हैं उनको आप रिप्लेस कर लें विद सम न्यू वर्ड। ठीक है, ठीक है। और मैम जो एक और क्वेश्चन है दो हार है कि जो अभी मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो एक सब कैटेगरी में मैंने खुद को प्लेस किया हुआ है, तो मैं अब सेकंड थर्ड सब कैटेगरी में खुद को प्लेस करना चाह रहा हूँ जो रिलेटिव सब कैटेगरीज हैं, तो उसका प्रकार ये है कि कैटेगरी टारगेटिंग की जाए सिर्फ, और कुछ ऐसे एसेंस में मुझे रिजल्ट्स आ भी रहे हैं नई सब कैटेगरी के अंदर, तो उन मैं एग्जैक्ट चला लूँ ताकि मैं अमेजोन को प्रूफ कर सकूँ मुझे यहाँ पे ऑर्गेनिकली प्लेस कर लो बगैर एडवर्टाइजमेंट के भी, ऐसा हो सकता है क्या? आप कैटेगरी चेंज करना चाह रहे हैं? नहीं, सेकंड सब थर्ड कैटेगरी को मैं खुद को प्लेस करना चाह रहा हूं जो वहां का सेल्स वॉल्यूम पकड़ने के लिए, ताकि उसके लिए आप कैटेगरी को टारगेट करें, प्लस आप वहां पर जो लो रेटिंग एजेंट्स है ना उस कैटेगरी को उनको भी टारगेट कर सकते हैं, ताकि आप उनके उनको भी सेल्स बनाए, उनको भी जब आप टारगेट करेंगे तो एक रेलेवेंसी आपकी उनके साथ लिंक्ड होगी, तो उससे भी आप वहां पर अपनी स्पेस बना लेंगे। मैम एक मैंने हमारी एक प्रोडक्ट थी वो 8-10 फरवरी से चल रही थी 8-10 फरवरी के अराउंड बार से, तो मैंने क्या किया कि तकरीबन 12-15 दिन पहले मैंने उस टाइटल के अंदर ना कुछ जैसे कीवर्ड FDA ग्रेड सिलिकॉन जिस तरह कीवर्ड है, अब ये ऐसा कीवर्ड है ना वो स्पेसिफाई हो जाता है कि ये प्रोडक्ट FDA ग्रेड सिलिकॉन हम बता रहे हैं, हम क्लेम कर रहे हैं हाइजीनिक एक वर्ड क्लेम कर रहे हैं ना अपने टाइटल में या अपने बुलेट डिस्क्रिप्शन पॉइंट में कहीं, तो अमेजोन ने ना हमें फिर कह दिया कि भाई हमें सीपीसी जो चाइल्ड को जो प्रोडक्ट सर्टिफिकेट वो जमा करा है हमें अभी, तो ये क्या कीवर्ड ऐड होने की वजह से हुआ होगा या अमेजोन खुद उस कैटेगरी की वजह से हमें उसने कहा होगा कि अब जमा कराएं? देखिए वो आपने जो कैटेगरी शायद जिस कैटेगरी में आप जा रहे हैं या आपने कुछ वर्ड टाइटल में ऐसे डाल दिए जिनपे सर्टिफिकेशन चाहिए, तो अब वो उसने आपको रीजन भी बताई होगी जो आपने क्या चेंजेस की जिसके बाद उसने आपसे कैटेगरी आपसे रिपोर्ट मांगी सर्टिफिकेट मांगा, तो अब आपको वो जी जी नहीं उसने कोई चेंजिंग ऐसी, हमने सिर्फ उसमें टाइटल में 2-3 वर्ड यही ऐड किए हैं कि FDA ग्रेड से लिखा है, आपने ऐड करनी है वो वर्ड आपने ऐसे ऐड कर लिए जिनके अगेंस्ट सर्टिफिकेशन अब रिक्वायर्ड है, या अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो वो आप वर्ड रिमूव कर लें। सही, इसमें कुछ कंपेटिटर्स ने ऐसे वर्ड डाले हुए हैं लेकिन उन्होंने सर्टिफिकेट्स का मेंशन नहीं किया हुआ, जो जिन्होंने ऐसे वर्ड मेंशन किए उन्होंने सर्टिफिकेट उनके साथ ऐड किए हुए अपने साथ, मतलब सर्टिफिकेट्स नहीं मांगता था लेकिन अब जो है ना वो Amazon मांगता है। ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है, वेलकम। जी एक क्वेश्चन है कि क्लाइंट ने पीपीसी बिड $5,000 लगाई है, वो बिड नहीं $5,000 होगी वो बजट होगी जिस पर वो कह रहे हैं कि वो कहता है कि रिजल्ट अच्छा आएगा और एक्सपेंस कम होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए 5,000 बिड तो पहली बात नहीं होगी, वो बजट ही होगा और बजट आपका उतना ही लगेगा जितनी आपकी देख अगर आपने 11 सेंट बिड रखी हुई है लेट्स से और कीवर्ड भी सिर्फ आपके दो कितनी भी वो यूज़ हो जाएगा ना, तो ऐसा
ऐसा नहीं है कि बजट बहुत ज्यादा लगा देंगे तो आपको आपको एक्सपेंस कम पड़ेगा, या बिड आप बहुत ज्यादा लगा दें तो आपको एक्सपेंस कम पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं है। वो मार्केट कंपटीशन पर और जो दूसरे सेलर्स जो बिड लगा रहे होते हैं, आपका कीवर्ड कितना कंपेटिटिव है, इन चीजों पर डिपेंड कर रहा होता है आपका एक्सपेंस। अच्छा एक क्वेश्चन है, मैं उसको बता देती हूँ ताकि, सैयद उस्मान ने पूछा है, बाकियों को भी शायद उससे हेल्प आ जाए। क्वेश्चन ये कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने आफ्टर का सेशन देखा था जिसमें उन्होंने बात की थी कि हमारी सबसे ज़्यादा हाइब्रिड लगती है टॉप में नज़र आने के लिए, उसके बाद हम बिड प्रोडक्ट पेज पर भी हमें सेल्स बनानी हो तो फिर सेकेंड हाइस्ट बिड लगती है, फिर अदर सर्च पर हमारी बिड काफ़ी लो पड़ रही होती है। तो वो पूछ क्वेश्चन उनका ये कि हम प्रोडक्ट टारगेट प्रोडक्ट डिटेल पेज पर बिड लगाएंगे क्यों, तभी लगाएंगे ना जब हमने प्रोडक्ट टारगेटिंग करनी है, कीवर्ड टारगेटिंग पर तो हमें प्रोडक्ट डिटेल पेज पर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है बिड। तो ऐसा नहीं है, कीवर्ड टारगेटिंग प्रोडक्ट पेज प्रोडक्ट टारगेटिंग है कि आपने उस एसिन को टारगेट कर लिया, उस एसिन के नीचे आप नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप देखते हैं ना बुलेट पॉइंट्स के नीचे समटाइम ऐड नज़र आ रही होती है, या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के नीचे ऐड नज़र आ रही होती है, तो वो नज़र आ रही होती है एसिन टारगेटिंग के थ्रू। लेकिन आप कीवर्ड के अगेंस्ट भी एसिन्स के अंडर नज़र आ रहे होते हैं, तो वो किस तरह से नज़र आ रहे होते हैं कि लेट्स से कीवर्ड टाइप किया आपने, किसी ने लेमन स्क्वीज़र, लेमन स्क्वीज़र टाइप करके वो गया एक एसिन पर, और उस एसिन के बाद नीचे आपकी ऐड भी नज़र आ गई है उसको कीवर्ड के थ्रू, प्रोडक्ट पेजेस को क्योंकि आपने फोकस किया हुआ है। तो अब आप प्रोडक्ट पेज के अंडर शो हो रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट पेजेस के अंडर आप शो हो रहे हैं, तो अब उसने वहां पर आपके ऐड टू स्पॉन्सर लिस्टिंग पे ऐड टू कार्ट की और बाय कर लिया। अब वो किसके थ्रू आया, आया तो वो कीवर्ड के थ्रू है ना, लेकिन ऐड कहाँ पे स्पॉन्सर हो रही है, ऐड स्पॉन्सर हो रही है प्रोडक्ट पेज पे। तो कीवर्ड के थ्रू भी आप प्रोडक्ट डिटेल पेज पे स्पॉन्सर होते हैं, और एसिन टारगेटिंग के थ्रू तो डेफिनेटली वो तो प्रोडक्ट टारगेटिंग के लिए ही होती है कैंपेन, ठीक है। होप फुली आपको समझ आ गई होगी बात की। बिल्कुल जुनेद, अवैस इनके भी सेशंस अच्छे होते हैं पीपीसी के, बिल्कुल बहुत सारे हैं। देखिए एसएम बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, बहुत सारे इस तरह से हैं जो सिखा रहे हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज बता रहे हैं, बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज हैं, तो बहुत नॉलेज है सबके पास, तो आप एक्सप्लोर करें, जहाँ से इंफॉर्मेशन मिले, जहाँ से नॉलेज मिले ले लें। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से ना लें और मुझसे लें, और मुझसे अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप ना देखें किसी को, ऐसा नहीं है, लें जहाँ से नॉलेज मिले लें, सीखें आप। बल्कि जितने ज़्यादा आप सीखते हैं ना चीज़ें, जितने ज़्यादा आप सोर्सेज यूज़ करते हैं, उतने ही आपके आप एक्सपैंड आपको एक्सपोजर होता है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि प्लीज़ एक्सपोजर तो होता है, कन्फ्यूजन भी वहीं बनती है कि वो ठीक है या वो ठीक है या वो ठीक है, तो एक्चुअली सब अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ही बोल रहे होते हैं। तो आप उन सब चीज़ों को अप्लाई करें, एक्सपीरियंस करें, शायद आप जब उन सबको एक्सपीरियंस करें तो आप बिल्कुल एक नई आउटपुट के नई स्ट्रैटेजी के साथ आएँ, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको कहें कि हाँ इन तीनों में से इन तीनों की ये एक एक बात ऐसी है जो सही है। एक्चुअली उन तीनों की वो सब तीन तीन बातें ठीक हैं, लेकिन आपके लिए वो तीन बातों ने रिजल्ट दिया तो वो आपके लिए तीन बातें ठीक हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सुने सबको और अप्लाई करें, एक्सपीरियंस करें, जहाँ से फायदा मिले उठाएं उसको। जी वगैरह आपको अनम्यूट किया मैंने। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी। मेरा एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि जब हम ऑटो कैंपेन से जो कीवर्ड्स लेके जा रहे होते हैं मैनुअल में, तो लेट्स सपोज अगर आज हमें कोई चार कीवर्ड्स मिल गए, हम लेके गए एक मैनुअल कैंपेन में, हमने टारगेट कर दिया, एक वीक बाद हमें एक या दो कीवर्ड्स और मिल जाते हैं, तो फिर हम जब उनको लेके जा रहे होते हैं तो वो एक एग्जिस्टिंग मैनुअल कैंपेन में हम ऐड करते हैं, उनके लिए एक नया जो कैंपेन है वो बना लेते हैं। अगर एग्जिस्टिंग में करते हैं तो मैडम जो एग्जिस्टिंग कैंपेन की जो हमने बजट सेट की होती है, तो उधर अगर हम दो और कीवर्ड्स ऐड करेंगे तो वो उस पर
जो असर नहीं पड़ेगा जो बाकी सारी कीबोर्ड से, या फिर इनको ऐसी जगह मिलेगी उनको वहाँ पे? इंक्रीज करना पड़ेगा, बजट भी इंक्रीज करना पड़ेगा, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो आप नए कीवर्ड एग्जिस्टिंग कैंपेन में डालने जा रहे हैं उन कीवर्ड से अगेंस्ट आपको बिड भी शायद बढ़ानी पड़ेगी, ताकि अब उसी कैंपेन में उन कीवर्ड को प्रेफरेंस मिल सके जो आपने रिसेंटली ऐड किए हैं। तो इसके लिए बेहतर यही है कि अगर आपने नए कीवर्ड निकालनी है ना तो उनको सेपरेट कैंपेन में टारगेट करना है, ठीक है? क्योंकि जाहिर है वो उनको थोड़ी बिड ज्यादा चाहिए हो, प्रॉपर बजट उनके लिए चाहिए हो, तो वो फिर आप उसको सेपरेट करना है। आपके लिए ऑप्टिमाइज करना इजी होगा, प्लस मॉनिटर करना भी आपको इजी होगा ना, समझ में आ रहा है कि अच्छा हाँ भैया कीवर्ड मैंने निकाला कहाँ पर स्पॉन्सर हो रहा है, वो कीवर्ड जो पर्टिकुलर कैंपेन पे होगा तो प्लेसमेंट में वो बता रहा होगा कि ये वाला कीवर्ड एक्चुअली यहाँ पे स्पॉन्सर हो रहा है, कहाँ पे सेल्स बना रहा है, क्या चीज किसी दे रहा है, कितना बजट इस पर लग रहा है, प्रॉपरली हर चीज उस कीवर्ड की आपको सामने डिफाइन। तो बेहतर है कि आप नहीं मैडम, लेकिन फिर ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएंगे अगर हम इस तरह की कैंपेन्स बनाते जाएंगे? लेकिन हाँ ये बात है कि आसानी से वो कर सकते हैं। बात ये नहीं है कि वो मैस हो जाएगा, वो मैस नहीं होगा, वो आपके लिए इजी हो जाएगा। लेकिन मैस कब होगा? जब आपने सब सारी कैंपेन का नाम रख दिया होगा, मैनुअल फ्रेज 1, मैनुअल फ्रेज 2, मैनुअल फ्रेज 3, होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या है। आप उस टाइम याद होगा लेकिन दो माह बाद आप भी भूल जाएंगे, या किसी वजह से अकाउंट आपको किसी और को हैंड ओवर करना पड़ा तो आपको उसको समझ में नहीं आएगी। तो कैंपेन का नाम जो वो थोड़ा बड़ा सिंपल से ऐसा रखे कि आपको पता चले किस कैंपेन के अंदर। जी जी ठीक है, बस शुक्रिया मैडम। ठीक है, अच्छा, नो प्रॉब्लम। जी निवी भाई, आपको अनम्यूट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है, मैं सही हूं, आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा मैं कुछ चीजें थी डिस्कस करनी, एक तो स्पॉन्सर जो आपने बताया था ना सर्ट टर्म ऑप्टिमाइजर, ठीक है, उसको जब देखता हूँ तो उसमें कुछ तीन चार वर्ड ना वो हमेशा पिंग शो कर देता है। ठीक है, उसको हम रिमूव कर लेते हैं दोबारा, यानी एडिट करके पब्लिश करते हैं तो दोबारा, यानी कि वही हमेशा यही आता है नॉट ऑप्टिमाइज्ड, नॉट ऑप्टिमाइज्ड। तो यानी कि ये नॉर्मल है, इस तरह होता है, ऐसा ही होता है। अब उसमें क्या है, एक तो पिंक वैल्यूज दिखा रहा होगा शायद जो लो वैल्यू होंगे, इसके अलावा कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो कोई पिंक वर्ड दिखाता ही नहीं है फिर भी वो ये दिखा रहा होता है कि नॉट ऑप्टिमाइज, क्योंकि वो शायद जो वर्ड कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत लो वैल्यू के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल शायद सिर्फ नए कीवर्ड मिलते हैं तो उनको ट्रांसलेट करके स्पेनिश में वो उनसे रिप्लेस कर लें तो वो फिर मतलब ऑप्टिमाइज हो जाएंगे। ठीक ठीक ठीक, मैंने ये लैंग्वेज सर्च भी की थी, मतलब सेकंड मोस्ट जो यूएस के अंदर लैंग्वेज है वो स्पेनिश ही है, और आई थिंक जितना कनाडा की पॉपुलेशन है उतना स्पेनिश बोलने वाले यूएस में रहते हैं, तो इट मींस कि स्पेनिश वर्ड्स हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं, उनको हम डाल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक। अच्छा, और मिस एक और चीज है ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड ना, अभी है कि करंटली तो सारी ही कैंपेन्स हमने रन की हुई है, सिर्फ जो है ना स्पॉन्सर डिस्प्ले की स्टोर स्पॉटलाइट वो नहीं कर सक रहा है क्योंकि उसमें 4 प्रोडक्ट्स चाहिए। ठीक है, तो मुझे बताएं कि जो सबसे ज्यादा ऑर्डर जनरेटिंग कैंपेन है नॉर्मली यानी कि जनरल केसेस में वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट और वीडियो कैंपेन ये होती है सबसे ज्यादा ऑर्डर जनरेटिंग? मैंने बहुत कम केसेस देखे हैं जहां पर वीडियो स्पॉन्सर्ड वीडियो जो है ना अब वो इतनी अच्छा काम नहीं कर रही होती है, लेकिन केसेस में स्पॉन्सर्ड वीडियो अच्छा काम कर रही होती है और कॉस्ट भी बहुत बेहतर होता है। ऑब्वियसली देखिए ये कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जहां पर कोई और बंदा बड़े अच्छी वीडियो के साथ बैठा हुआ है और वो उसने स्पॉट लिया, बड़ा डोमिनेंट चल रहा है, तो जाहिर है आपको वो नहीं फिर वीडियो नहीं काम करेगी आपकी, मे बी वहां पर कीवर्ड टारगेटिंग काम कर रही हो। वैसे मैंने अभी तक स्पॉन्सर्ड वीडियो देखा है और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले भी काम करती है। आपकी सेल्स तो शायद बहुत ज्यादा नहीं लेकर आती है लेकिन कॉस्ट बड़ा अच्छा रहता है इस पर। Sponsor display, product collection, sponsor display, या reviews भी मार्केट।
नहीं नहीं मैंने इसको दोनों से टारगेट करके देखा है, रिव्यू रिमार्केटिंग से भी और जो उसका जो फर्स्ट ऑप्शन इसका आ रहा होता है वो भी। तो रिव्यू रिमार्केटिंग वाला जो है ना, रिमार्केटिंग वाला, वो तो मुझे उस पर नहीं इतना अच्छे रिजल्ट आए। लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं दोनों कैंपेन क्रिएट करके देख लें सेपरेटली, दोनों ऑप्शन के लिए आप ट्राई कर लें कि आपको मे बी दोनों पे अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा ना आए लेकिन ऐसा हो कि कम सेल्स के साथ तो कॉज ऐसा हो कि ओवरऑल अकाउंट के कॉज को ये थोड़ा बैलेंस कर दें। एक्चुअली यही हुआ है, रिव्यूज दी मार्केटिंग जो है ना वो शुरू में तो उसने बहुत ज्यादा मतलब एक्सट्रीम हाई इम्प्रेशन और हाई स्पेंड और ऑडियंस टारगेट होते हैं उसमें। तो मैंने आतिफ भाई का जो सेशन था उसमें भी क्वेश्चन पुट किया था, उन्होंने बताया था कि ये ना एक्सटर्नल एक्चुअली होती है, बहुत ज्यादा एक्सटर्नल मीडियम्स पे आपके एड शो हो रहे होते हैं, तो इसको आप बहुत ज्यादा हाई बिड पे, तो उसमें मैंने बिड बहुत डाउन कर दी, तो वो अब ठीक हो गई है, वो ऑर्डर जनरेटिंग नहीं है। मेरे केस में यह है कि जो वीडियो कैंपेन है वो बहुत अच्छी चल रही है और मैंने बहुत सबर किया है ऑनेस्टली, यानी कि हाई बिड के साथ डाउन ओनली पे चलाए हैं और इस टाइम मैं ना फुल डोमिनेंट हूँ, मतलब लाइक मैं कोई छोटे छोटे कीवर्ड भी सर्च करता हूँ तो सिर्फ मेरा एड चल रहा होता है वीडियो एड, और उसकी एक कॉस्ट भी कम हो गई है, सीपीसी भी अलग उसकी परफॉर्मेंस द पैसेज ऑफ टाइम बहुत अच्छी इम्प्रूव हो रही है। इश्यूज आ रहे हैं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के अंदर जी, जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है ना उसमें इश्यूज आ रहे हैं उसका एक्चुअली बता दे कुछ के एक और चीज है, ऑप्टिमाइजेशन जब कर रहे होते हैं ना तब ये होता है कि अब मैंने टारगेट बिल्कुल रेलिवेंट किए हुए हैं, मतलब स्ट्रॉन्गली रेलिवेंट कीवर्ड्स किए हुए हैं टारगेट, और जो उसकी कम्बिनेशन बनती है ना जो कस्टमर सर्च टर्म्स आती हैं वो भी सारी रेलिवेंट टर्म्स ही होती हैं उसमें, कोई ऐसा नहीं है मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी को नेगेटिव टारगेट करना पड़ रहा उसके अंदर, ठीक है। तो अब ये होता है कि कोई सर्च टर्म है जिसमें मैं देख रहा हूँ यार एक कॉस्ट हाई है थोड़ी ना, लेकिन अब मैं देखता हूँ यार है रेलिवेंट तो मैं इसको क्या करूं, मुझे अब समझ नहीं आती है इसको मैं बिट डाउन कर दूं या बस जाने दूं। और एक और ऐसा भी नहीं है कि 100 प्लस हो, मतलब लाइक अभी जो मैं कल देख रहा था बल्कि आज ही देख रहा था उसमें जो सबसे हाई थी वो 70% आ रही। तो ये कि आप ये ना कल में अगर आप देख रहे हैं तो स्टैट्स उसके थोड़े 7 डेज की देखिए, एक दिन का कंसीडर ना करें स्टैट्स, 7 डेज में अगर आपको लग रहा है कि जी 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 मैं काफी यानी कि डेट ट्रेंड ना काफी यानी कि क्या काफी एक्सटेंडेड यूज करता हूं, लाइक सम टाइम मैं 65 डेज और जितना वो अलाउ कर रहा होता है ना टाइम पीरियड उतनी रिपोर्ट डाउनलोड करके तो देख रहा होता हूं ज्यादातर। देखिए ऐसे केस में अगर वो आपको इतनी ज्यादा दे रहा है, मतलब 2 या 3 ऑर्डर दे रहा है 70% कॉस्ट में, तो मेरे ख्याल से तो वर्क ही नहीं करता कि आप कंटिन्यू करें उस कीवर्ड के साथ। हाँ ये हो सकता है कि वो उस कैंपेन में आपको ऐसा रिजल्ट दे रहा है उसको उसी कीवर्ड को उस सर्च टर्म को, बाकी सब कैंपेन में एक काम करें रिपोर्ट डाउनलोड कर लें आप लाइफ टाइम की, लाइफ टाइम की उस कीवर्ड को सर्च टर्म में डालकर देखें और फिर उसको आप कलर करें जहां जहां वो नजर आ रहा है। पॉसिबिलिटी है कि जिस कैंपेन में वो 70% कॉस्ट दे रहा है एक्चुअली वो किसी और कैंपेन में उस मैच टाइप के साथ कहीं ना कहीं टारगेट हो रहा है, मतलब मे बी तो ब्रॉड टारगेटिंग वाली कैंपेन ऑन की हुई है लेकिन उस ब्रॉड में वो सिस्टम आ रही है जो सेल्स भी बनाकर दे रही है, तो इसका मतलब है कि वो वहां पर रन कर रहा है अच्छा इसीलिए यहाँ पर आपको हायर कॉस्ट दे रहा है, तब आप उसको यहाँ पर नेगेटिव टारगेटिंग कर सकते हैं। अच्छा मिस एक चीज और थी आपसे, मैंने एक लास्ट क्यूए में डिस्कस किया था फ्रेज मैच नेगेटिव टारगेटिंग जो मैंने गलती कर दी थी, उसके बाद फिर उसको कैंपेन ऑफ करके दोबारा से बनाने पड़ी थी, उसको आर्काइव तो किया था लेकिन वो मतलब नहीं हुई थी परफॉर्मेंस ठीक ना। तो मैंने अभी एक वेबिनार अटेंड किया था अमेजोन का पीपीसी का वेबिनार था, उसमें उन्होंने एग्जांपल दी थी कॉफी मेकर की और साथ उन्होंने बताया कि अगर सर्च टर्म आपकी एक है इटालियन कॉफी मेकर जो आपको मतलब उसमें क्लिक्स हो रहे हैं और ऑर्डर नहीं आ रहे स्पेंड हो रहे हैं, तो आप सिर्फ जो वर्ड इटालियन है ना उसको आप एज अ फ्रेज नेगेटिव टारगेट कर दें, लाइक आप अगर कॉफी मेकर को या पूरा इटालियन कॉफी मेकर अगर आप नेगेटिव एग्जैक्ट टारगेट करते हैं तो हो सकता है कि वो कॉफी मेकर को भी नेगेटिव में कंसिडर करना स्टार्ट कर दे, तो इसके ऊपर क्या देखें ऐसा नहीं है, अभी तो आपने खुद शायद विटनेस किया होगा जितना टाइम से आप कैंपेन पे काम कर रहे हैं कि हम तो जब मैनीचैट चला रहे होते हैं तो कीवर्ड्स को नेगेटिव टारगेटिंग कर रहे होते हैं, स्टिल समटाइम हमें सेल्स आ रही होती हैं उस पर हम नजर भी आ रहे होते हैं, और आप जब खुद भी नेगेटिव टारगेटिंग किया हो तो आपने देखा होगा कि जो कीवर्ड आपने नेगेटिव एग्जैक्ट में डाला है
वही आपके सिस्टम रिपीट नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है कि आपका वो कॉफी मेकर ही पूरा ब्लॉक हो गया। कॉफी मेकर आपका टारगेट होता रहेगा, एग्जैक्ट इटालियन ही सिर्फ इटालियन के साथ वो आप कह सकते हैं कि वो सिर्फ आपका ब्लॉक हुआ है। यहाँ पर उन्होंने इटालियन इसीलिए कह दिया होगा कि आप उसको फ्रेज से ऑफ कर दें कि शायद इटालियन के साथ आपकी जो भी नई फ्रेजेस बनेगी, फॉर एग्जाम्पल अगर इटालियन कॉफी मेकर आपको सेल्स भी ना कर दे रहा, तो अगर कॉफी मेकर को भी आप डिफरेंट लैंग्वेज में कर दें तो शायद वो सेल ना बना के दे। इसीलिए उन्होंने कहा कि आप इटालियन को ही नेगेटिव में डाल दें, क्योंकि इटालियन की आपकी जो भी फ्रेजेस बनेंगी वो इरेलेवेंट ही होंगी। तो ये एक केस है। अदरवाइज यहाँ पर मैं भी कहूंगी कि अगर कोई ब्रांड नेम ऐसा है जिसको जो आपको लगता है कि ये ब्रांड नेम मेरा है तो कंपेटिटर ही बहुत बड़ा, मेरा ही जैसे प्रोडक्ट ये सेल कर रहा है, लेकिन इसके ये मुझे बहुत ज्यादा कॉस्ट देता है, तब मैं उस ब्रांड नेम को ही फ्रेज के साथ टारगेट कर देती हूँ कि मुझे इस ब्रांड नेम के साथ तो टारगेट ही नहीं होना। इस ब्रांड नेम के अगेंस्ट कोई भी कीवर्ड इसके साथ लग जाए तो मुझे टारगेट नहीं होना, क्योंकि जब कोई इस ब्रांड नेम को टारगेट करके आता है तो वो मुझसे बाय नहीं करता, बाय इसी से करता है, मुझे कॉस्ट पड़ जाती है, तब मैं ब्रांड नेम को फ्रेज में नेगेटिव कर सकती हूँ। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आप फ्रेज टारगेटिंग करें और उस फ्रेज में पर्टिकुलर कीवर्ड ही आपका नेगेटिव हो जाए, ऐसा नहीं है। अच्छा, यू आर राइट, वो उन्होंने थोड़ा ऐड किया था इसके अंदर कि कॉफी मेकर जो है और आपका इटालियन नहीं है इन केस, और आप मतलब इटालियन कॉफी मेकर पे भी शो हो रहे हैं तो आप उसको नेगेटिव फ्रेज टारगेट कर दें। ठीक, मिस एक चीज और है, अगर पीपीसी का भी ठीक हो रही है, मतलब उसमें यह कि मेरे जो ओवरऑल ऑर्डर्स होते हैं ना उसमें पीपीसी के ज्यादा हो रहे होते हैं, तो अब इसका मसला ये होता है अल्टीमेटली के जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बड़ी खराब हो रही है, तो अब इस केस में क्या करें, समझ नहीं आ रही के, और रैंकिंग ठीक है, मतलब पीपीसी की रैंकिंग भी ठीक है, क्या कर रहे हैं आप, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी खराब हो रही है। मिस ऑर्डर्स जो है ना ज्यादा, जो रेशियो है ऑर्डर्स की वो ज्यादा ना पीपीसी के ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, जी, ऑर्गेनिक रैंकिंग भी ठीक है ना, उसके लिए आप स्लाइटली अपनी जो बिड अप से कम करना स्टार्ट करें, लेकिन जब बिड अप कम करेंगे उस वक्त आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि बिट इतनी कम ना हो जाए, कम करते करते कि आपकी सीपीसी से गिर जाए। आपकी 50 सेंट बिड है, सीपीसी आपको पड़ रही है 52 सेंट, तो आपने करना है कि मतलब सीपीसी आपको पड़ रही है 48 सेंट, तो कोशिश करें कि जब आपने बिड कम करेंगे तो वो 47 सेंट से ज्यादा ना करें, कि समहाउ 48 सेंट पर रहें। जब आप 48 सेंट पर भी फिर सेल्स बनाते रहेंगे उस वक्त आपकी सीपीसी मजीद कम हो जाएगी कुछ दिनों में, फिर आप उसको बाय फ्यू सेंट्स में डिक्रीज कर लें, सेंट बाय सेंट आप अपनी रिड्यूस करें बिड्स को, सीपीसी को, इससे क्या होगा आपकी आहिस्ता आहिस्ता कैंपेन्स भी ऑप्टिमाइज होती जाएंगी, सीपीसी भी नीचे आता जाएगा और सेल्स भी उस तरह से इफेक्ट नहीं होंगी। लेकिन बाकी ऑर्गेनिक सेल्स मजीद बढ़ाने के लिए तो आप मैं ये कहूँ कि अगर आप अपनी पीपीसी की बिड्स कम कर दें कन्वर्टिंग कीवर्ड्स की, तो देखिए मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जब हम ये काम करते हैं ना तो पीपीसी तो हमारी खराब होती होती है, सेल्स गिरती गिरती है, समटाइम ऑर्गेनिक सेल्स भी नहीं पिक करता वो, और फिर हम डी रैंक हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा डर अलार्म होता है कि इतनी एफर्ट करके आपने रिव्यूज गैदर किए हैं और आप रैंकिंग आपने अचीव कर ली है और फिर करते हैं तो जी, तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी पीपीसी को प्रॉफिटेबल बना लें, तो वो आप फिर ग्रेजुअली करें, सेंट बाय सेंट अपनी सीपीसी कम करते जाइए ताकि आहिस्ता आहिस्ता आपकी पीपीसी भी प्रॉफिटेबल हो जाए, तो ऑब्वियसली जब पीपीसी के ऑर्डर भी प्रॉफिट वाले होंगे तो ओवरऑल आपको प्रॉफिट ही जनरेट होगा फिर अकाउंट से। सही, और वीक में एक दफा काफी है, मतलब इसको देखना और थोड़े से जो है आप डाउन जितने टाइम से आपकी लिस्टिंग में चोर है और आप काम करते आ रहे हैं तो वंस अ वीक ऑप्टिमाइजेशन उसकी काफी है, इवन आप उसको 2 वीक्स भी चलने दें, ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा फाइन ट्यून करने की जरूरत है। अच्छा मिस, बस थैंक यू वेरी मच, आपने गाइड करती है, बस एक चीज थी वो आपको बतानी थी कि मैंने ना वो मेन इमेज जो थी उसको रीवैम्प किया है और मैंने ये भी टेस्टिंग ऑन कर दी है, तो इंशाल्लाह जैसे उसके रिजल्ट आते हैं तो फिर चलें। हेलो, थैंक यू, ए बी टेस्टिंग सक्सेसफुल रहे तो वो आपको अच्छा रिजल्ट दे इंशाल्लाह।
थैंक यू मिस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वालेकुम सलाम जी। है अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम मैडम। मेरा थोड़ा सा बेसिक सा क्वेश्चन है, ऑल्दो कि बहुत हाई इंटेलेक्ट और हाई लेवल की बातचीत चल रही है मैडम। मेरा भी 222 में है मेरी प्रोडक्ट, और ना अभी मुझे पेटेंट रिपोर्ट क्लियर आई है, तो मुझे डमी लिस्टिंग बनाने के लिए कहा गया है। तो उसके लिए मैं VBC में सेशन देख रहा था, उकाशा हफीज भाई का है, VA के ग्रुप में सेशन है, और मुझे कोई मिला नहीं है सेशन जिसको मैं देख सकूं। और ग्रुप के अंदर डिस्कशन काफी चल रही थी, 5665 एरर, और जो आपका ब्रांड नेम है उसमें अगर आप जेनेरिक वगैरह कर दें, इस तरह के इश्यूज से काइंडली अगर थोड़ा सा आप मुझे बता दें कि मुझे कैसे लगे। आपने रख लिया, डिसाइड कर लिया ब्रांड नेम? नहीं मैडम, अभी ब्रांड नेम तो मतलब फाइल नहीं किया हुआ, उन्होंने कहा है कि ब्रांड के जो आपने फाइल करना है या ट्रेडमार्क करना है वो सनी भाई के थर्ड अप्रूवल के बाद आपने करना है। आप उन्होंने कहा है डिसाइड करना है, तो आप NAS बना लीजिए, N/A आप बना लीजिए, उसके बाद आप ब्रांड नेम चेंज करवा सकते हैं, उसमें मसला नहीं है। इस तरह से आप अपनी डमी लिस्टिंग क्रिएट करें, डमी लिस्टिंग में ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको सेशन देखने की जरूरत पड़े। हाँ आप एक जनरल अपना इमेज एक लगा सकते हैं, आप अपने सप्लायर को दे दें, आपको प्रोडक्ट का इमेज दे दें, वो आप लगा लें। आप साथ में टाइटल अपना बस आपको एक बनाना पड़ेगा, उस टाइटल में आप क्या करें, अपने टॉप 5 कीवर्ड उठाएं, उन कीवर्ड को आप एज इट इज डाल दें टाइटल में, रिपीट हो रहा है वो कोई मसला नहीं है, बस आपने एज इट इज उन 5 कीवर्ड्स को डाल देना है, दैट्स इट, ये आपका टाइटल बन जाएगा। तो इस तरह से आप डमी लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं। बाकी अगर आपको डिटेल में देखनी है लिस्टिंग राइटिंग का कंटेंट वगैरह सब चीज़ें, तो वो आप VA का सेक्शन ना देखिए, वो आप देखिए FBA PL का सेक्शन, वहाँ पर लिस्टिंग क्रिएशन का एक सेक्शन बना हुआ है FBA PL में, उसमें लिस्टिंग राइटिंग गाइडलाइंस की वीडियो पड़ी हुई है, वो आप देख लीजिए। ठीक है मैडम, मैं सिर्फ अभी सिर्फ मेरा फोकस ये था कि डबल लिस्टिंग क्रिएट करके मैं वो केसेस ओपन करके चेक कर लूं कि इसके ऊपर सर्टिफिकेशन। बिल्कुल बिल्कुल, जब हम डबल लिस्टिंग बनाते हैं ना तो रमजान के साथ तीन बार केस ओपन करते हैं, एक बार जब रिप्लाई आता है फिर दोबारा केस ओपन करते हैं, फिर तीसरी बार केस ओपन करते हैं, 3 बार हम कंफर्म करते हैं कि भाई वी आर गोइंग टू सेल दिस प्रोडक्ट, और तो क्या आप मतलब ये क्या अलाउ है तो सेल करना, तो फिर अमेजोन आपको रिप्लाई कर देगा यस। आप अगर वो सर्टिफिकेशन चाहिए तो भी बता देगा, और अगर वो कहेगा कि हाँ आप यू आर रेडी टू गो, गुड टू गो, तो फिर आप उसको बस कंटिन्यू कर सकते हैं, बस ये आपने काम करना। ठीक है मैडम, इसका मतलब ये कि मैं अभी ब्रांड नेम में NA करके कर दूंगा तो इशू नहीं आएगा, बाद में वो चेंज हो जाएगा? कोई इशू नहीं आएगा, हम बाद में ब्रांड नेम चेंज कर सकते हैं। ठीक है मैडम, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम मैम, एक सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं अपने क्लाइंट की एक न्यू लिस्टिंग की एक पूरी लिस्ट बना रहा था टाइटल स्क्रिबल्स के थ्रू, टाइटल बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन, तो मुझे सब्जेक्ट मैटर का थोड़ी कंफ्यूजन थी, तो उसमें मैंने फिर सर्च किया था कि सब्जेक्ट मैटर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आफ्टर टाइटल, तो उसमें मुझे ये कंफ्यूजन थी। सर्च टर्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर द टाइटल, इवन द आफ्टर टाइटल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका बुलेट पॉइंट्स, फर्स्ट बुलेट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और फिर सर्च टर्म्स बैक एंड पे। सब्जेक्ट मैटर तो एक्चुअली अब अमेजोन ने खत्म कर दिया हुआ बैक एंड से, अब उसकी इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी सब्जेक्ट मैटर पे काम करना चाहते हैं तो यू कैन पुट योर प्राइमरी कीवर्ड्स, योर मेन कीवर्ड्स इन सब्जेक्ट मैटर। ठीक है मैम, और मैम वो जब मैं पुट करूंगा स्क्रिबल्स में वो ये सब्जेक्ट मैटर में जो ये सर्च टर्म्स हैं, तो वो लिस्टिंग में जब मेरी लाइव आएगी तो कहाँ शो हो रहे होंगे ये कीवर्ड्स? ये शो नहीं होंगे, वो आपको सिर्फ Amazon को हेल्प कर रहा होता है आपके रेलेवेंसी को समझने के लिए, प्रोडक्ट को समझने के लिए, आपके ब्राउजिंग में हेल्प कर रहा होता है एक्चुअली, उसके अगेंस्ट फिर Amazon का पता होता है आपको कहाँ पे स्पॉन्सर करना है, कहाँ पे आप ऑर्गेनिकली एक्चुअली लाइक करते हैं, किस कैटेगरी में लाइक करते हैं, या सर्च टर्म्स जब बायर मतलब सर्च कर रहा था तो आप उनके अगेंस्ट टारगेट हो रहे होते हैं, नजर आ रहे होते हैं, तो ये वहां पे हेल्प करती है बैकएंड पे, सब्जेक्ट मैटर फ्रंट एंड भी की नजर नहीं आता। ओके मैम, बस एक क्वेश्चन था, थैंक यू सो मच। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जी अच्छा, चैट में क्वेश्चन आया हुआ है कि मैच टाइप सेलेक्ट करते हैं लाइक सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्स, तो वो कैसे वर्क करती हैं अमेज़न पे?
देखिए सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्स में क्या होता है कि ऑटो टारगेटिंग में ना, ऑटो कैंपेन में अमेज़न आपको क्लोज मैच में जब टारगेट करता है तो क्लोज कीवर्ड जो आपकी प्रोडक्ट से रेलेवेंट हो, बहुत क्लोज कीवर्ड हो, वहाँ उनके अगेंस्ट आपको स्पॉन्सर करता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं सेल कर रही हूँ, लाइक लैपटॉप सेल कर रही हूँ, तो अगर किसी ने लिख दिया लैपटॉप लिखा है तो मेरी एड स्पॉन्सर हो रही है, डेल लैपटॉप है, मेरी एड स्पॉन्सर हो रही है. लेकिन अभी किसी ने लिख दिया लैपटॉप चार्जर, तो ये अब कॉम्प्लीमेंट है. अब किसी ने लैपटॉप चार्जर टाइप किया लेकिन मेरी एड स्पॉन्सर हो गई है, ये मेरा कॉम्प्लीमेंट कीवर्ड के गेन स्पॉन्सर हो रही है कि भाई जो लैपटॉप ले रहा है उसे शायद चार्जर भी इसका चाहिए होगा साथ. तो वैसे तो लैपटॉप के साथ ही चार्जर भी मिलेगा, लेकिन एक एग्जांपल ये है कि ये एक जो कॉम्प्लीमेंट कर रही है. जैसे माइक, अगर कोई ओवन खरीदने जा रहा है तो कॉम्प्लीमेंट क्या है, आपको ओवन ग्लव्स के भी आपको उसके अगेंस्ट भी आपकी एड स्पॉन्सर हो रही है. सब्स्टिट्यूट क्या है, सब्स्टिट्यूट ये है कि आप शैम्पू सेल कर रहे हैं और एक तरफ है शैम्पू और दूसरी तरफ है हर्बल शैम्पू मे बी या और किस्म का कोई सीरम है, हेयर सीरम है, तो वो सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज हो रहा है तो वहां पर आपकी एड स्पॉन्सर हो रही है. सब्स्टिट्यूट कीवर्ड से अगेंस्ट आपकी एड स्पॉन्सर हो रही है. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूट्स, क्रॉस मैच एंड कॉम्प्लीमेंट्स. ये वर्क वहीं पे करते हैं डिफरेंट स्पॉट्स पे, मे बी प्रोडक्ट पेजेस के अंदर आपकी एड शो हो रही है या फर्स्ट पेज पे शो हो रही है या अदर सर्चेस पे शो हो रही है. तो स्पॉट्स इसकी वही रहेंगी जो हर कैंपेन की होती हैं, मतलब डिफरेंट कीवर्ड्स की होती हैं, स्पॉट्स वही रहेंगी. डिफरेंट बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, ठीक है. चलें अब आंसर हो गए हैं सबके क्वेश्चंस होपफुली. सो एंड करते हैं अपना सेशन यहाँ पर. इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे अल्टरनेट मंडे पे. तो सब अपना ख्याल रखिएगा. कोई क्वेश्चंस होते हैं आपके, आप फेसबुक पे मुझे टैग कर सकते हैं. जो हमारा इसी बूटकैंप का पेज है वहाँ पर, फेसबुक का जो मेन पेज है वहाँ पर, आप इसी बूटकैंप के पेज पे टैग करें तो मैं आपको वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर दूंगी. अदरवाइज जो अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में ऑलरेडी 333, 222 में हैं, या 111 में हैं, वो वहाँ पर मुझे टैग कर सकते हैं अगर सेशन बुक करना है या किसी किस्म का कोई इशू आ रहा है. तो ठीक है, सब अपना ख्याल रखिएगा. ओके जी, गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज. नहीं, फेसबुक पे ऐड करने की जरूरत नहीं है बिलाल, वो आप जो ईसी बूटकैंप का पेज है ना वहां पर आप भी ऐड है, मैं भी ऐड हूँ. अगर आप मुझे टैग करेंगे तो वो मतलब मुझे मिल जाएगा आपका क्वेरी, ठीक है. ओके जी, अल्लाह हाफिज. इनक्यूबेटर का बिल्कुल, मैं इनक्यूबेटर में होती हूँ मंडे एंड वेडनेसडे फ्राइडे, तो ये इन तीन दिनों में मैं लाहौर इनक्यूबेटर में होती हूँ. आप हम मिल सकते हैं वहाँ पर बहुत जल्दी. वैसे वहाँ पर स्केड्यूल भी लग जाएगा सब ट्रेनर्स का, कि सब ट्रेनर्स किस किस दिन वहाँ पर हुआ करेंगे. हम प्रॉपर वहाँ पर ट्रेनिंग देंगे, अब से जिस तरह से भी हमने ये सेशन किया वहाँ पर हम सेशन करेंगे, जिसमें मैं आपको गाइडलाइंस भी, अगर कंटेंट राइटिंग के हवाले से या पीपीसी के टिप्स वगैरह, ये सब चीज़ें भी हम बताएंगे. और सेशन हुआ करेंगे हर ट्रेनर के, डेज भी वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे जिस डेज में होंगे और सारा टाइमिंग वगैरह भी. तो फिर इंशाल्लाह हम ऑनवर्ड जो हमारी लाइव ट्रेनिंग है वहाँ पर फिर हम इंक्यूबेटर में मिलेंगे, ठीक है. इंशाल्लाह इस्लामाबाद का भी चक्कर लगेगा ज़रूर, इंशाल्लाह. ठीक है जी, सब अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.